सो लेट कम टू ऑफ पार्टनरशिप एक्ट तो पार्टनरशिप एक्ट में टोटल तीन यूनिट्स है दैट इज यूनिट यूनिट एंड फर्स्ट में जनरल पार्टनरशिप के बारे में बताया गया कि पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप वर्सेस अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड वट इज द बेसिक ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप ये पार्टनरशिप एक्ट के फर्स्ट यूनिट बताया गया देन वी कम टू द सेकंड यूनिट ऑफ पार्टनरशिप जहाँ पर बताया हुआ कि मेन पार्ट है आपके एक्ट का कि जहाँ पर पार्टनर के बीच के टर्म्स एंड कंडीशन को बताया गया है माइनर <coughs> पार्टनर बन सकता है नहीं बन सकता है वट अबाउट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एडमिशन बाय पार्टनर पार्टनर कमिंग इन पार्टनर गोइंग आउट उसके बाद डेथ रिटायरमेंट इंसॉल्वेंसी उसके बाद आपका इम्प्लॉड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर ये सारा कुछ सब आप, कुछ आपको चैप्टर नंबर टू में आएगा फिर चैप्टर नंबर थ्री में जो है दैट्स ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन एंड द रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बस इतना ही आपका पार्टनरशिप एक्ट चलो तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू अंडरस्टैंड दिस इज अ फास्टैग मैच जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे सो फटाफट हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप मतलब बेसिकली क्या होता है वेन मिनिमम टू पर्सन कैन क्रिएट पार्टनरशिप आपको मिनिमम पार्टनर्स कितने लगेंगे दो लगेंगे वट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट कैन बी देर इन अ पार्टनरशिप तो देर कैन बी मैक्स फिफ्टी पर्सन दैट कैन फॉर्म पार्टनरशिप बराबर ठीक है नाउ लेटस गो फॉरवर्ड सर क्या पार्टनरशिप जो है उसको रजिस्टर करना कंपलसरी है क्या तो लॉ कहता है पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं ऑप्शनल है अगर आप चाहो तो रजिस्टर कर सकते हो चाहो तो रजिस्टर नहीं भी कर सकते सर इसके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है जी हाँ हम वो चैप्टर नंबर थ्री में देखने वाले हैं ओके अगेन सम बेसिक्स पार्ट ऑफ द चैप्टर पार्टनरशिप के रिलेटेड देखिए जब भी पार्टनर्स हम कहते हैं ना पार्टनर तो पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है इट इज बिटवीन द पार्टनर तो पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं पार्टनर्स एक दूसरे क्या होते हैं एजेंट होते हैं देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स एंड दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप समझ रहे हो ना आप मतलब तो तो जैसे आपने और हमने मैंने और आपने और सारे बच्चों ने मिलकर अगर कोई पार्टनरशिप बनाई लेटा से फॉर एग्जाम्पल हमको कोई आ, मशीन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना है तो हमने इसका नाम दे दिया अफलातून मशीनरीज हमने नाम दे दिया बेटा अफलातून मशीनरी ऐसा कुछ नाम हम, हमने हमारा पार्टनरशिप का दे दिया तो इस पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर हैं वो एक दूसरे के एजेंट हैं एक दूसरे के एजेंट मतलब क्या कि अगर पार्टनरशिप के लिए मैंने कोई डिसीजन लिया तो मेरे इस डिसीजन की जिम्मेदारी आप सब लोगों पर भी आएगी द फर्म एंड पार्टनर ऑल विल बी लाएबल आप जो कुछ भी करोगे उसके लिए हम सब और फर्म दोनों यहाँ पर लाएबल होंगे अच्छा पार्टनर्स के बीच यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट या हम उसको बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड हम उसको बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड ये पार्टनरशिप डीड में बेसिकली सब कुछ लिखा होता है कि इस फर्म का क्या नाम है ये फर्म कौन सा बिजनेस करने वाली है इस फर्म का एड्रेस क्या होगा इस फर्म में कौन पार्टनर है उनके क्या नाम है कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला है डेथ के टाइम पे क्या फॉर्म डिजोल्व होगा कि नहीं होगा आप समझ रहे हो अंडरस्टैंड दिस इज़ अ फास्ट ट्रैक बैच तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने एक बार तो लॉ को पढ़ा है तो जैसे जैसे मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ शायद आपको उस, उस तरीके से चीज़ें याद आ रही होंगी तो ऐसी सारी डिटेल आप यहाँ पर अपने पार्टनरशिप ड्रीड में लिखते हैं और इस एक्ट की सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि एक्ट बोलता है कि तुम चाहो वैसे इस एक्ट को क्या करो अपने हिसाब से बना लो मतलब अगर तुमने पार्टनरशिप ड्रीड में सारी बातें लिख ली अच्छी तरीके से तो जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा है उस तरीके से पार्टनर्स के बीच का आपस का रिलेशन काम करेगा लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर उस केस में जो लॉ बोलेगा वो होगा इसलिए आप इस एक्ट में कई बार ऐसा देखते हो अनलेस अदरवाइज एग्रीड इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री ऐसे दो वर्डिंग्स आपको दिखाई देते हैं इसका ये मतलब है कि अगर पार्टनरशिप डीड में आपने स्पेसिफिक इशू के रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है तो उस तरीके से होगा और अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो फिर जैसा लॉ कहता है उस तरीके से ही होगा मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एक्ट है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा क्या है फ्लेक्सिबल है ओके और कुछ इंपॉर्टेंट बातें पार्टनरशिप के रिलेटेड पार्टनरशिप आप हमेशा करते हो टू अर्न प्रॉफिट्स पार्टनरशिप आप हमेशा करते हो टू अर्न प्रॉफिट्स बिकॉज जब कभी भी आप पार्टनरशिप करते हो तो समाज सेवा दया कर दान भक्ति का लोगों में कंबल बांटना खिचड़ी बांटना सोशल वर्क के लिए पार्टनरशिप आप नहीं बना सकते आ, आपको बिजनेस करना है तो ही आप पार्टनरशिप बना सकते हैं ऐसा लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है और जब भी आप बिजनेस करते हो तो डेफिनेटली यू डू द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स सो हमेशा पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बनाई जाती है और उस बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट्स अर्न करना तो क्या सर अगर हमें लॉसेस हो गए तो फिर उस केस में क्या करेंगे बेटा जैसे आपको प्रॉफिट हुआ है उस उसी केस में आपको लॉसेस भी हो सकते हैं तो जिस रेशियो में आप प्रॉफिट्स को शेयर करोगे लगभग उसी रेशियो में आप लॉसेस को भी शेयर करोगे सर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होना चाहिए पार्टनरशिप का मेन पार्ट है कि हर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए तो लॉ यहाँ पर कहता है कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड लॉ कहता है कि हर पार्टनर का यहाँ पर इक्वल शेयर है प्रॉफ़िट्स में लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है कि रचेंद्र सर का फिफ्टी परसेंट शेयर है किसी दूसरे बच्चे का फाइव परसेंट है किसी नेक्स्ट बच्चे का ट्वेंटी परसेंट शेयर है तो फिर उस तरीके से आपका पार्टनरशिप डीड में क्या होगा प्रॉफिट शेयरिंग होगा तो जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखोगे उस तरीके से शेयर होगा या फिर अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो प्रॉफिट्स विल बी शेयर इक्वली बाय ऑल द पार्टनर ऐसा मैं नहीं रहा कह रहा बेटा ये लॉ कह रहा है और क्या सर अच्छा ये तो हो गया प्रॉफिट शेयरिंग सर व्हाट अबाउट लॉसेस लॉजिकली जिस परसेंटेज में आप प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हो बेटा उसी परसेंटेज में आप लॉसेस को भी शेयर करोगे आई होप योर अंडरस्टैंडिंग दिस सो दिस आर सम ऑफ द बेसिक पार्ट्स ऑफ योर पार्टनरशिप ओके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी म्यूचुअल एजेंसी जैसा कि मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी एक एग्जाम्पल मैंने लिया था कि अफलातून मशीनरी ये हमने पार्टनरशिप डीड बनाई अभी अपनी अपलातुल मशीनरी कहाँ पर है पुणे बेस्ड है मैं कोलकाता चला गया वहाँ पर मेरे को बहुत अच्छी मशीनरी पसंद आई मैंने कहा कि अपने पार्टनरशिप फॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है तो मैंने आपसे भी नहीं पूछा मतलब बाकी पार्टनर से किसी से नहीं पूछा मैंने कोलकाता में जाके वो मशीन परचेज करने का डील फाइनल कर दिया तो क्या यहाँ पर मेरे इस एक्ट के लिए दूसरे पार्टनर एंड द पार्टनरशिप फॉर्म लाइबल रहेंगे क्या तो लॉ कहता है कि यस अगर ये पार्टनर के अथॉरिटी में है और पार्टनर्स के बीच म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए मैंने जो ये परचेस का डिसीजन लिया है इसके लिए बाकी पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों यहाँ पर लाएबल रहेंगे है ना दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी उसी तरीके से जब आप भी कोई डिसीजन ले लोगे तो मैं और बाकी सारे पार्टनर इंक्लूडिंग द पार्टनरशिप फर्म हम सब लाएबल रहेंगे आपके डिसीजन के लिए एवरीबडी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि रचेंद्र सर कोलकाता चले गए उन्होंने अपने मन से डिसीजन ले लिया हमको तो पूछा ही नहीं तो हम इसके लिए लायबल नहीं है नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते बिकॉज देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी ठीक है सर वॉट अबाउट लाइबिलिटी वॉट अबाउट लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड होती है तो बेटा ये आप जानते हो कि पार्टनरशिप के केस में पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है समझ गए मतलब पार्टनरशिप फर्म में जब डिजोल्यूशन होता है उस केस में पार्टनरशिप फर्म के पास पार्टनरशिप फर्म को अपने एसेट्स बेच कर लाइबिलिटीज को चुकाना पड़ता है लेकिन वो सब करने में अगर पैसा शॉर्ट हो गया पैसा कम पड़ गया तो हर पार्टनर को अपने घर से पैसा देकर लाइबिलिटीज़ को चुकाना पड़ेगा मतलब पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी आपके घर तक भी आ सकती है आप मतलब पार्टनर के घर तक सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर तो पार्टनरशिप के केस में लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स कैसी होती है अनलिमिटेड इट इज़ अनलिमिटेड एल एल पी और कंपनी दोनों ही बॉडी कॉरपोरेट है वहां पर शेयर होल्डर्स और एल एल पी के केस में पार्टनर वहां पर उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स के लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है मतलब जब तक है जान तब तक तुम पार्टनरशिप के लिए यहाँ पर लाइबल हो आई होप यर अंडरस्टैंडिंग दिस सो बेटा ये था सब कुछ बेसिक्स अबाउट द पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड क्या होता है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है के ऑप्शन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में हमने बात करी लॉसेस के बारे में बात करी पार्टनरशिप बनती है सिर्फ बिजनेस करने के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स कैसी होती है अनलिमिटेड होती है उसके बारे में हमने सारी बातें करी यही सारी बातें बेटा थियोरटिकल फॉर्मेट में आपके मॉड्यूल में दी हुई है ये देखिए एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सनस मिनिमम दो पर्सन चाहिए और मैक्सिमम पचास का हो सकता है एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डिड के बारे में बात हो रही है एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स ओनली बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बिजनेस कैरड ऑन बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी ये सारी बातें हमने अभी करी बेसिकली जो पहले के आपके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना पार्टनरशिप का वो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया डीड क्या है म्यूचुअल एजेंसी क्या है लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर क्या है पार्टनरशिप डीड क्या होती है मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ये सारी बातें बेटा हमने यहाँ पर कर ली सो नाउ लेट अस गो टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज पार्टनरशिप वर्सेज सम अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाउ पार्टनरशिप वर्सेज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेटा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ये वाला पार्ट आप अपने एंड पर करोगे बिकॉज पार्टनरशिप एंड कंपनी ये दोनों ही एक्ट आपके सिलेबस में जो आपके सिलेबस में नहीं है वो हम करेंगे फटाफट से सो नाउ लेट अस गो टू द दानसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप वर्सेस क्लब क्लब क्या होता है और पार्टनरशिप क्या होती है अभी यहाँ पर मैं क्लब के एग्जाम्पल में एग्जाम्पल ले लूंगा बेटे रोटरी क्लब का और यहाँ पे पार्टनरशिप में अपना अफलातून मशीनरी है ना तो डेफिनेशन की बात करेंगे पार्टनरशिप क्या होती है इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस कैरियड ऑन और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल क्लब क्या होता है अ क्लब इज ऑल्सो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म विद द ऑब्जेक्ट नॉट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट मतलब नॉर्मली जो क्लब होते हैं वो अपने मेंबर के प्रॉफिट के लिए नहीं होते वो सोशल एक्टिविटी के रिलेटेड होते हैं मेंबर के रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के रिलेटेड होते हैं अगर आप रोटरी क्लब ज्वाइन करोगे जब आप थोड़े से और यंग बड़े हो जाओगे तो जब आप रोटरी रोट्रैक क्लब को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपका पता है काम क्या होगा प्रॉफिट सर नहीं करना लोगों में खिचड़ी बांटना गरीबों में कंबल बांटना ब्लाइंड स्कूल में जाकर डोनेशन देना ट्री प्लांटेशन करना ऐसी कुछ बातें आप क्लब में करोगे या फिर हर महीने कुछ लोग एक साथ आते हैं मूवीज़ को जाते हैं हर महीने लोग एक साथ आते हैं कुछ सेमिनार अटेंड करते हैं सेमिनार कंडक्ट करते हैं होटल में खाना खा रहे हैं सारे लोग मिलकर ये होती है क्लब की एक्टिविटीज तो ये पार्टनरशिप से बहुत ज्यादा अलग है व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप पार्टनरशिप के केस में म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन है पर्सन फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर एंड पार्टनर इज एन एजेंट फॉर द अदर पार्टनर व्हाट अबाउट क्लब पर्सन फॉर्मिंग अ क्लब आर कॉल्ड एज मेंबर्स अ मेंबर ऑफ द क्लब इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर मेंबर मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी मेंबर्स के बीच में क्लब के केस में नहीं होती इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी पार्टनर हैज़ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म सर फर्म की प्रॉपर्टी मतलब क्या होती है ये चैप्टर नंबर टू में हम देखने वाले लेकिन अभी इधर पॉइंट आया तो बता देता हूँ फर्म का प्रॉपर्टी मतलब वो सारी प्रॉपर्टीज लैंड बिल्डिंग आपकी मशीनरी व्हीकल्स फर्नीचर ए सी एयर कंडीशनर एंड सो ऑन कंप्यूटर्स जो कि आप फर्म के लिए इस्तेमाल करते हो वो गई फर्म की प्रॉपर्टी क्या उस प्रॉपर्टी में सभी पार्टनर्स का इंटरेस्ट है आंसर इज येस बट वॉट अबाउट क्लब क्लब के केस में आपका क्लब की प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जैसे रोटरी क्लब के कई सारे ऑफिस है पूरी दुनिया में तो क्या वो सभी मेंबर्स को उसमें इंटरेस्ट है नहीं देखिए अ मेंबर ऑफ द क्लब हैज़ नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब क्योंकि वो क्लब की प्रॉपर्टी है एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट नहीं है इसलिए प्रॉपर्टी में कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है व्हाट अबाउट रिजोल्यूशन अ चेंज इन द पार्टनर ऑफ द फर्म में अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस अ चेंज इन देंबरशिप ऑफ द क्लब डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस इसका क्या मतलब है सर रोटरी क्लब में आप ज्वाइन हो गए रोटरी क्लब से आप एग्जिट हो गए इससे रोटरी क्लब के कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन पार्टनरशिप ने आपने पढ़ा है कि जब भी पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट होता है अनलेस अदरवाइज एग्रीड फॉर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है अगर आपका कोई पार्टनर इंसॉलवेंट हो गया अनलेस अदरवाइज एग्रीड आपका फॉर्म डिजॉल्व हो जाता है ये सारी बातें हमने पार्टनरशिप में आपने ऑलरेडी देख रखी है अंडरस्टैंड फास्ट ट्रैक बैच है बेटा तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ना आपने एक बार तो लॉ को पढ़ा है तो इसलिए ऐसी बातें मैं बता रहा बराबर तो लेकिन क्लब के केस में आपके रहने या ना रहने से क्लब के एग्जिस्टेंस पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये था आपका क्लब वर्सेस पार्टनरशिप बात करेंगे बेटा ज्वाइंट हिंदू फैमिली सर अगर एग्जामिनेशन में ये हमको जो एच यू एफ है इसके केस में अगर ये डिफ्रेंसिएशन का आंसर आता है तो कितने मार्क्स के लिए हमें क्वेश्चन को लिखना होता है अंडरस्टैंड जितने भी मार्क्स के लिए अगर फोर मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आप मिनिमम सिक्स पॉइंट्स यहां पर लिखेंगे तो यहां पे नीचे दिए हुए कोई भी सिक्स पॉइंट्स आप अच्छे तरीके से याद कर लो एंड दैट इज इनफ फॉर यू सो चलो फटाफट देखेंगे एच यू एफ एंड पार्टनरशिप मोड ऑफ क्रिएशन पार्टनरशिप कैसे बनती है पार्टनर साथ में आकर जब पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तब पार्टनरशिप बनती है पार्टनरशिप इज क्रिएटेड नेसेसरीली बाय एन एग्रीमेंट दैट इज पार्टनरशिप डीड व्हाट इज अबाउट एच यू एफ द राइट इन द ज्वाइंट फैमिली इज क्रिएटेड बाय स्टेटस मीन्स इट्स क्रिएटेड बाय बर्थ इन द फैमिली समझे आप आपके परिवार में आपका जन्म हुआ यही वो तरीका है उस परिवार का हिस्सा बनने का डेथ ऑफ अ मेंबर डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑर्डिनरीलीड्स टू द डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपके फैमिली में अगर किसी की डेथ हो गई तो क्या आपकी फैमिली डिवाइड हो जाती है ऐसा नहीं होता देखिए द डेथ ऑफ अ मेंबर इन अंदू अनडिवाइडेड फैमिली

लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या होता है सभी पार्टनर का अधिकार है कि वो पार्टनरशिप के बिजनेस में हिस्सा लेते हैं चलिए फटाफट बेटा आगे बढ़ते चलेंगे अथॉरिटी टू बाइंड एवरी पार्टनर कैन बाई हिज एक्ट बाइंड द फर्म देखिए बाइंड द फर्म का मतलब होता है मेक द फर्म रिस्पॉन्सिबल वॉट अबाउट एच यू एफ द करता और द मैनेजर हैज द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड अदर मेंबर्स इन द फैमिली मतलब सब कुछ कर्ता के हाथ में लाइबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है बेटा अनलिमिटेड यहाँ पर क्या होता है ओनली द लाइबिलिटी ऑफ द करता इज अनलिमिटेड एंड द अदर को पार्सनर आर लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फैमिली बिजनेस एग्जाम्पल लेंगे बेटा आपके घर में हो सकता है कि आपके फैमिली के जो हेड है वो आपके पापा है सो ही बिकम्स द करता ऑफ योर एच यू एफ है ना तो उस केस में उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है लेकिन आप आपके फैमिली के कौन बन गए एट प्रेजेंट आप अपने फैमिली के कौन हो को पार्सनर आपकी लाइबिलिटी कितनी लिमिटेड है जितना आपका फैमिली बिजनेस में प्रॉफिट शेयर है कॉलिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन क्लोजर जब फॉर्म डिजोल्व होता है तो जो दूसरे पार्टनर है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं अपना हिसाब किताब करने के लिए ये देखिए अ पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फॉर्म फॉर अकाउंट्स प्रोवाइडेड ही आल्सो सीज द डिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म व्हाट अबाउट एच यू एफ ऑन द सेपरेशन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली अ मेम्बर इज नॉट एंटाइटल टू आस्क फॉर अकाउंट ऑफ द फैमिली बिजनेस आप अपने एच के फैमिली को छोड़ के जाते हो तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने फैमिली बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करो वो अधिकार सिर्फ किसका है बेटा फैमिली बिजनेस का जो हेड है करता है उसका है गवर्निंग लॉ कौन सा है पार्टनरशिप को कौन सा लॉ गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट जो अपन रीड कर रहे हैं और ये एच का कौन सा है इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ माइनर कैपेसिटी क्या माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है आंसर इज नो सिर्फ उसको प्रॉफिट्स दिया जा सकता है लेकिन व्हाट अबाउट एच क्या तो एच में एक माइनर मेंबर बन सकता है हाँ बन सकता है जिस दिन आपका जन्म होता है उसी दिन से आप अपने फैमिली के मेंबर बनते हो एच हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उस फैमिली के बाय बर्थ ऑफ आप मेंबर बन जाते हो तो माइनर उधर मेंबर बन सकता है ये देखिए

तब तक उसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा बिकॉज फैमिली में मेम्बर बढ़ते जाएंगे फैमिली आगे बढ़ती जाएगी दादा परदादा फिर आपके पापा आप फिर आपकी अगली जनरेशन आप समझ रहे हो इस तरीके से फैमिली ट्री बढ़ते जाता है लेकिन जिस दिन आपकी फैमिली डिवाइड हो जाएगी उस दिन वो एच का स्टेटस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा समझे नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप में मिनिमम दो मैक्सिमम पचास चाहिए व्हाट अबाउट एच यू में ऐसा कोई मेंबर का लिमिट नहीं है आपके फैमिली में जितना मेंबर आपको ऐड करना है आप कर लो ये आपके ऊपर डिपेंड इसमें कोई रोक टोक नहीं है शेयर इन द बिजनेस इन पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज़ अ डिफाइंड शेयर बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर वॉट अबाउट हिंदू एंड एफ एच एफ इन एच एफ नो को पार्सनर हैज अ डिफाइनेट शेयर इज इंटरेस्ट इज अ फ्लक्चुएटिंग वन इट इज केपेबल ऑफ बींग ए बाय डेथ्स इन द फैमिली डिमिनिश बाय बर्थ्स इन द फैमिली देखिए अगर आपके फैमिली की एक करोड़ की प्रॉपर्टी है बराबर और आपके फैमिली में अगर दस मेंबर है तो आपका शेयर कितना हो गया वन करोड़ डिवाइडेड बाय टेन पीपल दैट इज टेन लाख पर पर्सन अब अगर आपके फैमिली में दस लोग और जुड़ जाते हैं तो आपका शेयर उस प्रॉपर्टी में और कम हो जाएगा और लोग बढ़ते हैं तो आपका शेयर और कम हो जाएगा लेकिन आपके फैमिली में लोग बहुत टपक जाते हैं तो आपका, आपका शेयर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा तो आपका शेयर फिक्स नहीं है ये नंबर ऑफ मेंबर पे डिपेंड करता है कि आपके फैमिली बिजनेस या प्रॉपर्टी में आपका शेयर ऊपर या नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मेंबर्स बाय बर्थ और बाय डेथ लेकिन इनके सब पार्टनरशिप ये फिक्स होता है आप पहले दिन से फिक्स करके चलते हो सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एच मैं फिर से बता रहा हूँ एनी सिक्स पॉइंट्स यू रिमेंबर और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कोई भी छः पॉइंट लिख के आएंगे तो भी चलेगा पूरे पॉइंट याद करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है Let लेटस कम टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ को ओनरशिप वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ co-ownership? को ओनरशिप मतलब देखिए us say for example यह mobile है ये मोबाइल मेरा और मैंने दोस्तों मिलकर परचेज किया ऐसा example लेंगे तो वी बिकम द को ओनर ऑफ दिस मोबाइल है ना और पार्टनरशिप अलग है को ओनरशिप अलग है देखिए फॉर्मेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट से फॉर्म होता है ओनरशिप में अराइज ईदर फ्रॉम एग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सच एज बाय इनहेरिटेंस एंड सो ऑन जैसे दो भाई है उनके पिताजी चल बसे तो पिताजी के नाम हंड्रेड करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो वो हंड्रेड करोड़ की प्रॉपर्टी इन दोनों भाइयों के नाम पर हो गई बाय इनहेरिटेंस अपन मराठित तैला मन तो वडिलोपार्जित जागा मिला ली अपन हिंदी में उसको बोलते हैं एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमको मिल गया है ना बाप दादा की जायदाद दा आपको पास ऑन होती है आप समझ रहे हो तो उस केस में भी को ओनरशिप यहां पर जनरेट होगी इंप्लाइड एजेंसी अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर अ को ओनर इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर को ओनर यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी नहीं है नेचर ऑफ इंटरेस्ट देर इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विच मीन्स दैट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस मस्ट हैव टू बी शेयर्ड को ओनरशिप डज नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ये डिपेंड करता है केस टू केस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप के केस में अगर आपको अपना पार्टनरशिप का इंटरेस्ट किसी दूसरे को पास ऑन करना है तो सभी पार्टनर का परमिशन यहाँ पर लेना पड़ेगा लेकिन को ओनरशिप के केस में अगर आप अपना शेयर किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पहले वाले को ओनर को आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है आप अपने मनमर्जी हिसाब से मनमर्जियाँ कर सकते दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ को ओनरशिप परसेज पार्टनरशिप बेटे एसोसिएशन एंड पार्टनरशिप बहुत ही सिंपल है एग्जाम्पल से ही हम लोग समझ लेंगे पार्टनरशिप टू रन अ बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट्स देर ऑन इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप मेम्बर्स ऑफ अ चैरिटेबल सोसाइटी और अ रिलीजियस एसोसिएशन अभी ये देखिए जैसे आपने नाम सुना होगा बजरंग दल इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन उसके बाद स्वामीनारायण मंदिर के जो लोग होते हैं इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है बीजेपी कांग्रेस एंड सो ऑन ट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन वो पार्टनरशिप नहीं है वो असोसिएशन है आर एस एस दसोसिएशन ऑफ पर्सन सो देरशिप एसोसिएशन आपको थोड़ा थोड़ा क्लब के जैसे लग सकता है राइट right? चलिए उनका इंटेंशन है प्रॉफिट नहीं करना समाज सेवा करना असोसिएशन करना तो याद रखना हमेशा दया कर दान भक्ति का सोशल वर्क के लिए आपके पास आप एक तो चैरिटेबल ट्रस्ट बना लो या आप क्लब बना लो या एसोसिएशन आप ऑफ आप पर्सन बना लो कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता लेट मीनस हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग इट अदिति प्रज्वल ऋषिकेश सलोनी शेरू एंड राजवी ग्रेट अभी काइंड ऑफ पार्टनरशिप तो देर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बड़ा ही सिंपल है फटाफट से कवर करेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप एट विल सर व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप एट विल पार्टनरशिप एट विल का ये मतलब है कि लेटर से फॉर एग्जाम्पल आप और हम सब साथ में आ गए और हमने ये डिसाइड करा कि अब हम आज से पार्टनरशिप का बिजनेस चालू करेंगे लेकिन ये बिज़नेस कब तक चलेगा जब तक हमारी इच्छा है तब तक चलेगा उसको बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल हमने उसको कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं दिया कि पाँच साल की पार्टनरशिप या दस साल की पार्टनरशिप ऐसा कोई फिक्स पीरियड नहीं दिया बराबर जब तक है जान जब तक हमारी इच्छा है तब तक चलेगा उस तरीके के बेटा पार्टनरशिप को हम क्या कहते हैं पार्टनरशिप एट विल अब देखिए बड़ा एक बेसिक सा पॉइंट है आपकी इच्छा से पार्टनरशिप में है ना इट इज एट विल तो जब आपकी इच्छा है तब आप उस पार्टनरशिप को डिजोल्व भी कर सकते हैं जब आपकी पार्टनरशिप है पार्टनरशिप एट विल तो जब आपकी विल नहीं है तो आप उसको डिजोल्व कर सकते ये था फर्स्ट पॉइंट लेटेस्ट कम टू द सेकेंड पॉइंट पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड आप और हमने डिसाइड करा कि हम अगले पाँच सालों तक साथ में रहेंगे फिर पाँच साल के बाद हम लोग अलग हो जाएंगे तो हम बोलेंगे फाइव ईयर का फिक्स पार्टनरशिप है आपने डिसाइड करा पच्चीस साल साथ में काम करेंगे उसके बाद अल्लाह मालिक उसके बाद भगवान देखेगा क्या करना पच्चीस साल के बाद हम लोग अलग हो जाएंगे सो दैट बिकम्स अ फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप नाउ लेट अस गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बेटा पर्टिकुलर पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब है जब आप कोई पार्टनरशिप बनाते हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आपने और मैंने मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ आप इन फ्यूचर बन जाओगे जब आप बन गए इससे आपने सोचा सर एक काम करते ना बुर्ज खलीफा जैसी एक नई बिल्डिंग बनाते हैं और वो बिल्डिंग बनाने के लिए हमने पार्टनरशिप बनाई जिस दिन बिल्डिंग का काम ख़त्म हो जाएगा हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी तो हम इसको बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक चीज एक स्पेसिफिक पर्पज से अपने पार्टनरशिप बनाई उसको क्या बोलेंगे पार्टनरशिप मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप क्या होती है सर जो भी करेंगे साथ में करेंगे भैया चाहे हम ट्रेडिंग का बिजनेस करें सर्विस इंडस्ट्री में जाए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाए समझ रहे हो देश के इलेक्शन लड़े जो भी कुछ करे, जो भी करेंगे साथ में करेंगे अगर ऐसी वाली आपकी धारणा है तो आपकी पार्टनरशिप क्या है बेटा जनरल पार्टनरशिप एक एग्जाम्पल लेता हूँ आप और हम सी बन गए मतलब मैं तो बन गया हूँ आप बन जाओगे जी जि, आप जिस दिन सीए बने आप मेरे पास आते आप बोले सर हमको ना एक बड़ी सारी बिग फोर के जैसी फर्म चालू करना है तो चलिए पार्टनरशिप बनाते हैं तो मैंने कहा जी ठीक है तो आ, आपने बोला कि सर हम इसमें ना सारा काम करेंगे सी का भी सी का भी सब कुछ इंजीनियर का सब कुछ हम इसमें काम करेंगे मैंने बोला कब तक साथ में रहेंगे आपने बोला सर जब तक है जान जब तक हमारी इच्छा है तब तक हम आपके साथ रहेंगे मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया शाबाश और आप लोग हमारे साथ आ गए और हमने आपके साथ पार्टनरशिप बना ली तो हमारी पार्टनरशिप कौन से टाइप की हो गई तो यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप ड्यूअल टाइप की है सबसे पहले आपने मुझे क्या बोला जब तक है जान तो आपकी हो गई पार्टनरशिप एट विल और दूसरा आपने बोला सर हम जो भी काम करेंगे साथ में करेंगे मतलब आपकी अभी पार्टनरशिप जनरल वाली भी हो गई मतलब हमारी पार्टनरशिप कैसी है इट इज अ जनरल पार्टनरशिप एट विल समझे तो इस तरीके से परमिटेशन कॉम्बिनेशन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से टाइप की पार्टनरशिप है और देर आर बेसिकली फोर टाइप्स पार्टनरशिप एट विल पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच टॉक्स अबाउट वॉट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सा पार्ट है अच्छा पार्टनरशिप डीड पे थोड़ा बाद में आते हैं पहले टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ लेते हैं कितने टाइप के पार्टनर भैया बहुत टाइप के पार्टनर है पहले सबसे सिंपल टाइप पढ़ते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर तो उसमें सबसे सिंपल आंसर आ रहा है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल पार्टनर एक्टिव पार्टनर और ऑब्सटेंसिबल पार्टनर देखिए नाम भयानक है आईसीआई इन्हीं शब्दों का खेल आपके साथ खेलता है एग्जाम में डालते हैं ऑप्सटेंसिबल पार्टनर बच्चा सोच रहा है अरे ऑप्सटेंसिबल पार्टनर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अबे नहीं भाई एक्चुअल पार्टनर एक्टिव पार्टनर का ही दूसरा नाम ऑप्टेंस ऑप्सटेंसिबल पार्टनर है इसलिए मेरा हमेशा आपसे यही कहना है कि जब भी आप नोट्स रीड करते ना दिमाग आंखें और कॉन्सनट्रेशन खोल के रीड करो बच्चा क्या करता है एक्टिव पार्टनर एक्टिव पार्टनर रीड करता है एग्जाम में आता ऑब्सटेंसिबल पार्टनर फिर बच्चा वहीं बोल्ड हो जाता यू हैव टू रीड एवरीथिंग ठीक है सो एक्टिव पार्टनर कौन होता है बेसिकली एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो रोज़ाना आकर अपने बिजनेस को हैंडल करता है बिजनेस में हिस्सा लेता है बिजनेस के डिसीजन लेता है एक्टिवली बिजनेस को मैनेज करता है ऐसे पार्टनर को हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर एक्टिव पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा होता है एक्टिव पार्टनर जब फर्म को छोड़ कर जाएगा तो उसको पब्लिक नोटिस देना ही पड़ेगा बिकॉज उसके रहने या ना रहने से फर्म पे फर्क पड़ता है देखिए जब आप टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ते हैं ना तो एक चीज़ कंफ्यूजिंग होती है कि कौन से पार्टनर को डिजोल्यूशन के टाइम पे या फिर कौन से पार्टनर को जब वो फर्म से बाहर जा रहा है पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत है तो सर इसके लिए क्या लॉजिक लगाना चाहिए सिंपल लॉजिक लगाने का कि क्या इस पार्टनर के रहने या ना रहने से फर्म पे फर्क पड़ता है क्या अगर फर्क पड़ता है तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा फर्क नहीं पड़ता है तो पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ेगा सिंपल बात है एक्टिव पार्टनर है मतलब बिजनेस डिसीजन ले रहा है उसके रहने या ना रहने से फॉर्म पे फर्क पड़ता है तो उसको जो है जब वो छोड़ के जाएगा उसको नोटिस देना पड़ेगा तो ये था आपका एक्टिव पार्टनर अब बात करेंगे स्लीपिंग पार्टनर की स्लीपिंग पार्टनर मत, मत, मतलब क्या स्लीपिंग पार्टनर मतलब एक ऐसा पार्टनर जो रोज़ ऑफिस तो आता है लेकिन ऑफिस में आकर वो सो जाता है ऐसी वाली बात है नहीं बेटा स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है जिसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो पार्टनरशिप में दिया है लेकिन वो बिजनेस को मैनेज रोज करने ऑफ़िस नहीं आता उसके रहने या ना रहने से पार्टनरशिप हम पे कोई असर नहीं पड़ रहा आपके दूर का कोई रिश्तेदार है उसने आपके बिज़नेस में पैसा लगाया है पार्टनर बोल के लेकिन वो रोज़ ऑफिस नहीं आता उसके रहने ना रहने से ऑफिस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वो बिज़नेस के कोई डिसीजन नहीं लेता वो बस आराम से अपने घर पर देखता है कि क्या चल रहा है पार्टनरशिप में ऐसे वाले बंदे को हम क्या बोलते हैं डॉर्मन पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर जब कोई स्लीपिंग पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के जाता है तो क्या उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा तो द आंसर इज यस एंड अगेन क्या डोरमेंट पार्टनर को एंड स्लीपिंग पार्टनर को प्रॉफिट्स उसको देना पड़ेगा यस yes. उनको प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने फर्म को पैसा दिया है ये बात आप याद रखना नाउ वी कम टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल पार्टनर नॉमिनल पार्टनर सर हु इज अ नॉमिनल पार्टनर नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जिसने अपना नाम फर्म को दिया है बस उसने फर्म को नाम दिया यही उसकी सबसे बड़ी बात है इमेजिन कीजिए शाहरुख खान सलमान खान आमिर खान है ना अपना नीचे बाहुबली रॉकिंग स्टार यश अभी तो साउथ इंडिया का पूरा जोर चल रहा है इंडियन मूवीज़ पर आर 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 के अपने दोनों जूनियर एन टी आर और रामचरण तेजा ये सभी लोग आप अगर अपने फर्म में पार्टनर बनना चाहते हैं क्या वो एक्टिव पार्टनर बन सकते हैं नहीं बन सकते वो रोज़ छोटी बिजनेस को देखने आएंगे लेकिन उनका नाम ही इतना बड़ा है कि उनके नाम से अपनी पार्टनरशिप की नैया पार हो जाएगी तो वो बोलेंगे चलो ठीक है भैया लगा लो हम अमिताभ बच्चन के पास गए अमिताभ बच्चन बिग बी वो कहते हैं ठीक है काम करो रचेंद्र सर आप मेरा नाम यूज़ करो और पार्टनरशिप को आगे बढ़ाओ लेकिन मैं रोज़ बिजनेस करने नहीं आ सकता तो अमिताभ बच्चन बिग बी विल बिकम द नॉमिनल पार्टनर ऑफ द फर्म उनके रहने या ना रहने से क्या फर्म पे फर्क पड़ता है क्या हम बहुत फ़र्क पड़ता है भैया उनके नाम पे हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले नॉमिनल तो पार्टनर जब फॉर्म को छोड़ के जाता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा क्या बिग बी को हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में कोई रियल इंटरेस्ट है नहीं उनको अपने बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है क्या उन्होंने हमारे बिजनेस के लिए कोई पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया है नहीं किया है जब पैसा ही कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो हमें उनको कोई प्रॉफिट भी देने की जरूरत नहीं है तो दैट इज द ऑफ अ दॉमिनल पार्टनर चलो आगे देखते बेटा द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली माइनर वाले जैसा कोई माइनर बच्चा है उसको केवल प्रॉफिट दे रहे वो पार्टनर तो नहीं है लेकिन केवल प्रॉफिट उसको दे रहे ऐसा भी कोई बंदा हो सकता है जो बोलेगा भैया चलो मैं तुम्हारे पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा लगाता हूँ लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो मेरे को हिस्सा देना लेकिन अगर लॉसेस हुए तो मेरे से पैसे मत मांगना क्या ऐसे टर्म्स पर भी कोई बिजनेस कर सकता है आंसर इज ये आंसर इज यस इमेजिन करो मिस्टर रतन टाटा एंड मुकेश अंबानी आप उनके पास जाते हैं आप उनको बोलते हैं हमको पैसा चाहिए वो बोलेंगे ठीक है हम आपको पैसा देंगे लेकिन आपके प्रॉफिट्स में हमको हिस्सेदारी चाहिए नुकसान होता है तो तुम उठाओ लेकिन प्रॉफिट्स होता है तो हमारे साथ शेयर करो तो ऐसे लोग जो केवल प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी लेते हैं लॉसेस में आपके साथ खड़े नहीं होंगे ऐसे लोगों को बोलेंगे पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली ओके वट इज़ द दानसेप्ट ऑफ इनकमिंग पार्टनर इनकमिंग पार्टनर अगर आपकी कोई फर्म ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जैसे अपनी अफलातुल मशीनरी और उसमें हमने साइली मैम को भी इंक्लूड करा बराबर उसमें हमने अपने विवेक मालू सर को भी इंक्लूड करा तो दे विल बिकम द इनकमिंग पार्टनर जब आप किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में जाकर एंटर होते तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकमिंग पार्टनर सो वॉट इज एन आउट गोइंग पार्टनर एग्जिस्टिंग फर्म से कोई पार्टनर बाहर जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ आउट गोइंग पार्टनर ओके आउट गोइंग पार्टनर जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देता वो फर्म के हर एक्ट के लिए लाइबल होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वट इज दार्टनर बाय होल्डिंग आउट इसका दूसरा नाम है एस्टोपल इसका दूसरा नाम है पार्टनर बाय एस्टोपल एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ देर आर थ्री फ्रेंड्स ए बी एंड सी और उनका एक और फ्रेंड है दैट इज जेड यहां पर ए और बी इनके बीच में पार्टनरशिप ऑलरेडी है सी बाहर का व्यक्ति है और जेड बाहर का व्यक्ति है ये चारों पार्टी में मिल रहे ए और बी ने जेड को बोला कि सी हमारा पार्टनर है और ये हमारे बिजनेस को अच्छे तरीके से रन करता है ये बातें सुनकर सी भी चुप रहा और सिर्फ ही 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 ऐसा मुस्कुराया कुछ बोला नहीं इस केस में लॉ कहता है कि जेड के सामने सी ने कोई अपने पार्टनरशिप का डिनाइल नहीं करा उसने नहीं नहीं बोला तो फिर उस केस में सी बिकम्स द पार्टनर ऑफ ए बी एंड कंपनी बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सिंपल एज पब्लिक नोटिस का क्या मतलब, है? का क्या मतलब है? का आपको देना, देना केवल एक लॉजिक यूज करना है क्या आपके रहने या ना रहने से फर्म में असर होता है अगर आप पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है तो जिस ट्रांजैक्शन के लिए आपको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बनाया गया था आप उस ट्रांजेक्शन के लिए लाए बोलो ध्यान देना आप उस ट्रांजेक्शन के लिए लाए बोलो आपके भरोसे पर जैसे एग्जाम्पल के केस में यहां पर ए बी एन कंपनी के दो पार्टनर थे ए एन बी उन्होंने जेड को बोला कि सी हमारा पार्टनर है उन्होंने जेड को इसलिए बोला था कि जेड एक बड़ा लोन दे दे ए और बी को तो इसमें जेड ने सोचा कि सी पार्टनर है तो ए एन बी कंपनी एक अच्छी कंपनी है और जेड ने सी के भरोसे ए और बी को लोन दे दिया इस केस में सी बिकम्स द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट and C will also be liable for the repayment of that loan. So that is the concept of partner by holding out. So बेटा इस तरीके से हमारा ये first unit partnership का यहाँ पर खत्म होता है Fast track batch का बेटा यही जादू होता है कि जो important points हैं हम उनको touch करते हैं और आगे निकलते हैं Now we go to the next unit under partnership that is the rights and liabilities between the partner. राइट साइड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर कुछ नहीं सिर्फ दिखने में बड़ा है और बड़ा ही सिंपल है आपको केवल कॉमन सेंस यूज करना है और आराम से चीजें आ जाएंगी मैं बता रहा हूं आपको जितना आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट जितना डिफिकल्ट है उतना ही पार्टनरशिप एक्ट एकदम आसान है स्ट्रेट फॉरवर्ड है लॉजिक और कॉमन सेंस में से इसमें आंसर आ जाते हैं चलिए जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अन अदर अंडरस्टैंड इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप इन दो वर्ड को समझ ले पहला वर्डिंग आएगा अनलेस अदरवाइज एग्रीड आपको हर जगह ये दिखेंगे या फिर ऐसा कुछ दिखेगा अनलेस कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री इन एबसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री ऐसा वर्डिंग आपको आएगा इन एबसेंस इन एबसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी इसका क्या मतलब है सर इन दोनों वर्ड्स का इस चैप्टर में बहुत इस्तेमाल हुआ है अनलेस अदरवाइज एग्रीड या फिर इन एबसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी इसका यह मतलब है कि लॉ में इस चैप्टर में बहुत सारी प्रोविजन दी है कि पार्टनर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है उसने कैसे करना चाहिए उसको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो क्या होगा लेकिन हर पैराग्राफ के लास्ट में लिखा होता है अनलेस अदरवाइज एग्रीड या फिर इन एबसेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कांट्रर इसका ये मतलब है कि अगर इन बातों के रिलेटेड आपने अपने पार्टनरशिप डिड में कुछ लिखा है तो उस तरीके से होगा लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डिड में कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर जो इस चैप्टर में लिखा है वो आपके साथ होगा तो बेटर क्या है बेटर क्या ऑप्शन है हम हमेशा पार्टनरशिप डीड ही ऐसा बनाए जो सारी बातों को कवर कर ले तो पार्टनरशिप के लॉ को हमें फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखते बहुत ज्यादा तो फिर जो इस चैप्टर में लिखा है वो आपके साथ होगा है ना ये चीज को आप हमेशा याद रखो अब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे अब सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन एन तो सबसे पहले आ रहा है जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर सेक्शन नाइन सेक्शन नाइन कहता है कि हर पार्टनर जो एक्टिवली बिजनेस में हिस्सा लेता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पार्टनरशिप के हित में डिसीजन ले जैसे अपना कौन सा पार्टनरशिप है अफलातून मशीनरी इसमें हम ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं ना तो हम हमेशा सो सोझ बूझ के साथ बिजनेस करें हम इस तरह के डिसीजन लें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पार्टनरशिप का फ़ायदा हो हम नुकसान करने के लिए बिजनेस को ना करें फ़ायदा करने के लिए बिजनेस करें समझे मतलब पार्टनरशिप के हित में आप डिसीजन ले यह हर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगला पॉइंट क्या है ड्यूटी टू इंडेम्निफाई फॉर लॉस कॉज बाय फ्रॉड यदि कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में फ्रॉड करता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस नुकसान की भरपाई करके दे एग्जाम्पल लो हमारे पार्टनरशिप में किसी पार्टनर ने कैश की चोरी कर ली दस लाख रुपए उसने कैश चुरा लिया पिछले दो सालों में जब वो पकड़ा जाएगा उस समय वो जो चोर पार्टनर है उसके अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरा की पूरा दस लाख रुपया ब्याज के साथ फॉर्म को वापस करे इसको बोलते हैं इंडेमनीफाई करना अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो वो पार्टनर जो भी नुकसान हुआ है वो फॉर्म को भरपाई करके देगा ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इतना लिखा हुआ है सेक्शन टेन में आगे देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मतलब पार्टनरशिप डिड की यहां पर बात हो रही है पार्टनरशिप डिड की यहां पर बात हो रही है एक यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक ये है एग्रीमेंट्स इन रिस्टेंट ऑफ ट्रेड जैसे आप और हम मिलकर मशीनरी का बिजनेस कर रहे हैं तो हम हमारे पार्टनरशिप डिड में एक रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज ऐसा डाल सकते हैं कि जब तक ये पार्टनरशिप है तब तक कोई भी पार्टनर मशीनरी का ट्रेडिंग बिजनेस इंडिया में नहीं कर सकता क्या हम ऐसा क्लॉज डाल सकते हैं हम यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस लेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ ट्रेड इज वर्ड आप किसी को भी धंधा करने से नहीं रोक सकते इंडिया में लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन थे उन एक्सेप्शन में से एक एक्सेप्शन ये था कि पार्टनरशिप डीड में आप रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को लगा सकते हैं तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं आंसर इज यस एक और एग्जाम्पल अगर कोई आपका पार्टनर बाहर जा रहा है लेटर से फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ द, दस साल तक काम किया अब मैं पार्टनरशिप को छोड़ के जा रहा हूँ तो आप मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि सर अभी आपको हमारी मशीनरी का तो पूरा नॉलेज है आपने कंपीटिंग बिजनेस चालू किया तो फर्म का नुकसान हो जाएगा तो आप अगले पाँच सालों तक लोकल एरिया में वो ट्रेडिंग का बिजनेस आप मशीनरी का नहीं कर सकते क्या आप ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन मेरे पे लगा सकते आंसर इज यस बस वही बोला हुआ है दैट एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ ट्रेड आर परफेक्टली वैलिड इन केस ऑफ पार्टनरशिप बाकी क्या बाकी जो रोल्स एंड ड्यूटीज है वो आप पार्टनरशिप डीड में अपने मुताबिक लिख सकते हो चलिए लेट अस गो टू बेटा सेक्शन ट्वेल्व कंडक्ट ऑफ द बिजनेस पार्टनरशिप डीड के कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट देखिए वन टू थ्री फोर फाइव जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है वो हम पढ़ेंगे हर पार्टनर का यहां पर क्या क्या राइट है फटाफट से उसको हम देखने का ट्राई करेंगे पहला राइट क्या है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस हर पार्टनर का यह अधिकार है कि वो अपने बिजनेस में जाकर ध्यान दे देखिए अगर मैं रोज ऑफिस आता हूं आपके साथ अपने पार्टनरशिप के ऑफिस आता हूं तो ये मेरा अधिकार है कि मैं बिज़नेस की मीटिंग्स को अटेंड करूं मैं अपने पार्टनरशिप के हित में कोई डिसीजन लूं मैं बिज़नेस के मीटिंग में अपना ओपिनियन रखूं ये मेरा अधिकार है आप मुझको ऐसा नहीं बोल सकते सर आप मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते सर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते यू कान टेल मी लाइक दिस वाई बिकॉज आई एम अ पार्टनर ऑफ द फर्म ये मेरा राइट right है कि मैं बिजनेस कर में डिसीजंस ले सकता हूँ मीटिंग को अटेंड्स करूँगा ओपिनियन दूंगा आपको मेरी बात सुनना पड़ेगा ये मेरा राइट right है दिस इज वॉट इज रिटर्न राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस आगे देखिए राइट टू बी कंसल्टेड आपको हर पार्टनर को भाव देना पड़ेगा जैसे हमारी पार्टनरशिप की मीटिंग चल रही है ठीक है और आप डिसीजन ले रहे हो कि क्या हमें इस नई मशीनरी को परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सारे लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं मैं भी अपना ओपिनियन दे रहा हूँ लेकिन आप बोल रहे कि सर आप ओपिनियन मत दो आपने दिया नहीं दिया आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ओपिनियन मत दो ऐसा नहीं आप बोल सकते आई एम अ पार्टनर इन द फर्म मेरा अधिकार है कि मैं हर मीटिंग में अपने ओपिनियन को रख सकता हूँ और अगर मैं मीटिंग में नहीं आता हूँ फिर उस केस में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे इन्फॉर्म करो कि ऐसा ऐसा डिसीजन हो रहा है और आप मेरा ओपिनियन फोन के थ्रू ले लो व्हाट्सएप के थ्रू ले लो ईमेल के थ्रू ले लो लेकिन मेरा ओपिनियन आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा राइट right है आई एम ऑल्सो पार्टनर ऑफ द बिजनेस समझे सो दैट इज दिस पॉइंट दैट इज राइट टू बी कंसल्टेड एवरी पार्टनर इज द राइट टू हैव कंसल्टिंग इन द बिजनेस राइट टू द एक्सेस ऑफ बुक्स क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैं चेक कर सकता हूँ क्या देखो क्या लिखा हुआ है एवरी पार्टनर वेदर एक्टिव और स्लीपिंग इज टू 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 हैव एक्सेस एनी बुक्स ऑफ ऑफ द द फर्म एंड एंड इंस्पेक्ट टेक आउट अ कॉपी राइट बी एक्सरसाइज बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में छ महीने तक मैं ऑफिस नहीं आया लेकिन मुझे अब जानना है कि क्या पार्टनरशिप का हिसाब किताब अच्छे तरीके से चल रहा है कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है मुझे मेरा पार्टनरशिप आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ा होगा ना प्रॉफिट की एंट्री जाती है सैलरी की एंट्री जाती है समझ रहे हो लॉसेस का एंट्री डेबिट होता है जनरल रिजर्व का एंट्री क्रेडिट होता है तो हिसाब किताब क्या मैं चेक कर सकता हूँ एज अ पार्टनर यस, yes, आप चेक कर सकते हो लेकिन आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए आगे राइट ऑफ लीगल हेयर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑथोराइज एजेंट्स क्या क्या राइट है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हिस्स लीगल हेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ड्यूली ऑथोराइज एजेंट शाल है राइट ऑफ एक्सेस टू एंड टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी बुक्स ऑफ द फॉर्म एग्जाम्पल ले लो हमारे में से कोई पार्टनर टपक गया और उस पार्टनर का बच्चा था तो वो बच्चा बिकम्स द लीगल एयर ऑफ दार्टनर ये उस लीगल हेयर का क्या राइट है कि अब उसके पापा तो चले गए तो उस फर्म का उस पा उस उसके पापा के जो फर्म में पार्टनर अकाउंट है उसका हिसाब किताब चेक करने का अधिकार उस बच्चे के पास है क्यों बिकॉज हिताब जब हिसाब किताब का सेटलमेंट होता है ना बेटा लोग उधर ही ज़्यादा फ्रॉड करते हैं इसलिए प्रोविजन डाला गया कि जब कोई पार्टनर आपका टपक जाए उसके लीगल हेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उनके ऑथोराइज एजेंट्स उनके पास राइट है कि वो जाकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करें हिसाब किताब सेटलमेंट करने के रिलेटेड ऑब्वियसली ये थोड़ा लॉजिकल भी है और सही भी है दैट इज़ वॉट इट इज़ सो बेटा ये थी अब तक की कहानी द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर के क्या क्या राइट है म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज अगेन उसी चीज का थोड़ा सा एक्सटेंशन है सेक्शन ट्वेल्व में कुछ बातें बताई गई अब सेक्शन फाइव में कुछ और सेक्शन थर्टीन में कुछ और बातें बताई गई तो इनको हम करेंगे और बेटे आज का लेक्चर हम एंड करेंगे है ना राइट टू रेम्यूनरेशन क्या ये पार्टनर को हम सैलरी देना कंपलसरी है क्या पार्टनर को सैलरी मिलना चाहिए तो यहाँ पर देखिए लॉ ने बड़ा अजीब व गरीब यहाँ पर लॉ ने कुछ बताया है लॉ कहता है सबसे पहले अनलेस अदरवाइज एग्रीड इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री मतलब आपने पार्टनर सैलरी के रिलेटेड अगर पार्टनरशिप डिड में कुछ लिखा है तो आप वैसा करो फिर ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डिड में कुछ नहीं लिखा फिर उस केस में आपको इस लॉ को पढ़ना पड़ेगा तो ये इधर क्या बोल रहा है कि पार्टनर्स को सैलरी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टनर तो प्रॉफिट शेयर कर रहे तो उनको अलग से कोई सैलरी देने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर कोई पार्टनर एक ऐसा काम करता है पार्टनरशिप में जो कि अगर कोई दूसरा बंदा करता तो आप उसको सैलरी देते तो फिर पार्टनर को भी आप सैलरी देना चाहिए सर एग्जाम्पल लू क्या बड़ा सिंपल है अगर कोई पार्टनर लेटर से फॉर एग्जाम्पल मैं मैं अपने आपके हमारी फॉर्म है ना तो मैं उसमें जाके अकाउंटिंग का काम करता हूँ तो भैया अगर कोई दूसरा बंदा अकाउंटिंग करता अगर आप किसी लड़के को अकाउंटिंग पे लगाते तो उसको आप सैलरी देते ना तो मैं फॉर्म के लिए अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो आप मुझे भी सैलरी दो लेकिन इसके अलावा मुझे कोई दूसरी सैलरी आपको देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एज अ पार्टनर मुझे प्रॉफिट्स तो मिल रहा है लेकिन लास्ट में एक जबरदस्त लाइन लिख दी लॉ ने लॉ ने क्या बोला अनलेस अदरवाइज एग्रीड तो नॉर्मली नाइन्टी परसेंट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है पार्टनरशिप डीड में ही लिखा जाता है कि किसको सैलरी देना है किसको नहीं देना है मतलब झगड़े का काम ही नहीं है तो नॉर्मली पार्टनर को सैलरी देने की जरूरत नहीं है लेकिन पार्टनर एक ऐसा काम कर रहा है जो किसी दूसरा करता हो तो आप उसको सैलरी देते तो फिर पार्टनर को भी सैलरी आपको देनी पड़ेगी लेकिन देना नॉर्मल केस में कंपलसरी नहीं है और लास्ट में क्या है अनलेस अदरवाइज एग्रीड राइट टू शेयर प्रॉफिट्स अरे भैया ये तो हर पार्टनर का अधिकार है कि वो बिजनेस में प्रॉफिट्स को शेयर करें बराबर व्हाट अबाउट लॉसेस लॉसेस की कोई बात नहीं करता लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस शेयर में आप प्रॉफिट्स को शेयर करते हो जिस परसेंटेज में आप प्रॉफिट्स को शेयर करते हो उसी परसेंटेज में आप लॉसेस को भी शेयर करोगे आपकी लाइबिलिटी तो वैसे भी अनलिमिटेड है तो वो कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉ कहता है कि आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दे सकते हैं जब कुछ बातें सेटिस्फाई होती है सबसे पहला अगर आप पार्टनर को कैपिटल में इंटरेस्ट देना चाहते हैं तो ऐसी बात आपके पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए मतलब जब तक आप पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखोगे पार्टनर को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते अगला पॉइंट क्या लिखा है एनी ट्रेड कस्टम टू दैट इफेक्ट अ स्टैचूटरी प्रोविजन विच एंटाइटल्स हिम टू सच इंटरेस्ट सर इसका एग्जाम्पल है बेटा इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि आप पार्टनर को ट्वेल्व परसेंट तक का इंटरेस्ट दे सकते हैं कैपिटल पे तो फिर ठीक है तो मैक्सिमम कितना परसेंटेज देख दे सकते हैं आप ट्वेल्व परसेंट ये कहाँ लिखा हुआ है पार्टनरशिप ब्रिड में नहीं पार्टनरशिप एक्ट में नहीं इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है और सबसे बेसिक याद रखना है कि पार्टनर को इंटरेस्ट अगर आपको देना है ना तो उसका उसके रिलेटेड कुछ परसेंटेज या उसके रिलेटेड कोई मेंशन आपके पार्टनरशिप डीड में होना ही चाहिए बट ना आप इंटरेस्ट नहीं दे सकते अच्छा इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस यदि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को अगर कोई लोन दिया है तो क्या उस लोन पे उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो लॉ कहता है हाँ आप उसको इंटरेस्ट दे सकते लेकिन व्हाट इज़ द मैक्सिमम एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर एनम एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर एनम इतना आप दे सकते आगे देखिए राइट टू बी इंडेम्निफाइड राइट टू बी इंडेम्निफाइड अगर पार्टनर का नुकसान होता है फर्म की वजह से अगर पार्टनर का नुकसान होता है फर्म की वजह से तो क्या पार्टनर को उसका खर्चा मिलना चाहिए क्या हाँ मिलना बिल्कुल मिलना चाहिए एग्जाम्पल लेता हूँ फर्म का लाइट बिल पिछले तीन महीनों से नहीं भरा था तो लाइट वाले लाइट कट करने आ गए मैंने देखा अरे ये ऐसा हो जाएगा तो फर्म के लिए बुरा होगा मैंने अपने जेब से पचास हजार रुपये का लाइट बिल भर दिया फॉर्म के लिए अब क्या मेरे को मेरा पचास हजार रुपये फॉर्म से वापस मिलना चाहिए क्या वेदर आई शुड बी इंडेम्निफाइड फ्रॉम द फर्म आंसर इज यस तो लॉ में यही होता है कि लॉजिक बड़ा सिंपल है लेकिन उसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड होती है तो आपको क्या करना है सिंपल लैंग्वेज में सीखना है और आराम से कॉन्सेप्ट को समझना है राइट टू इंडेम्निफाई द फर्म जैसे पार्टनर को नुकसान होगा तो फर्म उसको भरपाई करके देगा उसी तरह पार्टनर की वजह से अगर फर्म का नुकसान होता है तो पार्टनर भी फर्म को भर नुकसान भरपाई करके देगा सो दीज आर सम ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर एंड द पार्टनरशिप फर्म और यू कैन से बिटवीन द पार्टनर्स एज वेल बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे और आज की क्लास को एंड करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इसका बड़ा सिंपल सा मैं चार्ट बना देता हूं इसको बात को समझेंगे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्ट अभी आपका हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे हम पहला बोलेंगे जनरल प्रॉपर्टी पहला बोलेंगे बेटा जनरल प्रॉपर्टी और दूसरा बोलेंगे हम बात करेंगे गुडविल की तो पहले हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टी की तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीज़ें पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी में आती है तो इसमें सबसे पहले बोलेंगे कि पार्टनरशिप की शुरुआत में जो कुछ भी चीज़ें आपने पार्टनरशिप के अंदर लाई सभी पार्टनर ने मिल के दैट एवरीथिंग बिकम्स अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जैसे हमने मशीनरी के ट्रेडिंग का बिजनेस चालू किया साथ में तो मैंने क्या करा मेरे घर पे फर्नीचर पड़ा था तो मैंने फर्नीचर लेकर आ गया किसी दूसरे पार्टनर के घर पे कुछ कंप्यूटर पड़े थे वो कंप्यूटर लेकर आ गया कोई तीसरा पार्टनर का घर ही खाली था उसने अपना घर दे दिया पार्टनरशिप के लिए किसी और पार्टनर के पास कुछ व्हीकल्स थे उसने व्हीकल लेके आए पार्टनरशिप के काम के लिए तो पहले स्टार्टिंग में जो कुछ भी चीज़ें पार्टनरशिप में लेकर आते हैं दैट बिकम्स द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी तो ये हो गया इनिशियल प्रॉपर्टीज व्हाट अबाउट सब्सिक्वेंट प्रॉपर्टीज़ उसके बाद जो कुछ भी आप एसेट्स परचेस करते हैं पार्टनरशिप के नाम पर दोज ऑल बिकम्स द पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी तीसरा यदि आगे चलकर लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरी कार है मर्सिडीज है आप उस मर्सिडीज को पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपना इंटेंशन है कि उसको पार्टनरशिप के लिए ही यूज़ करना तो वो बिकम द पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी लेकिन अपना इंटेंशन नहीं है कि उसको पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बनाना तो उस केस में दैट रिमेन्स माई पर्सनल प्रॉपर्टी तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एसेट्स यूज हो रही है उसके पीछे यूज करने का इंटेंशन क्या है यदि हम उसको पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी की तरह यूज़ कर रहे हैं तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है लेकिन अगर कोई पार्टनर उसको अपने पप्पा का माल समझ के यूज़ कर रहा तो वो फिर उस पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाएगी और एक याद रखना जो इनिशियल में हमने सारे एसेट्स को साथ में लाया दैट एवरीथिंग इज़ अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल केवल और केवल पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए ही होना चाहिए यह था जनरल प्रॉपर्टी का डिस्कशन अब बात करेंगे बेटा गुडविल का तो गुडविल की खास आपको वजह यहाँ पर देखनी है कि अगर पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि गुडविल को एक सेपरेट एसेट बोलकर ट्रीट करना है तो फिर उस केस में आप उसको एज एन एसेट ट्रीट करोगे अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि भैया हमारी कोई गुडविल नहीं है हमको इसको रिकोगनाइज नहीं करना है तो उस केस में आप उसको रिकोगनाइज नहीं करोगे आगे अगर आपने गुडविल को रिकोगनाइज किया है एज एन एसेट तो जब फर्म डिजोल्व होगी ये गुडविल को आप सेल करके उसका पैसा सारे पार्टनर्स में बांट सकते हैं अब सर गुडविल का क्या मतलब होता है गुडविल इज बेसिकली अ रेप्यूटेशन इन द मार्केट अ रेप्यूटेशन इन द मार्केट ब्रांड नेम होता है देखिए कोई खाने पीने का कोई स्टॉल है उसका ब्रांड नेम है सदियों से वो बिजनेस कर रहे है मतलब जनरेशन से वो बिजनेस कर रहे उसके दादा भी वही बिजनेस कर रहे थे पप्पा भी वही बिजनेस कर रहे बच्चा भी वही बिजनेस कर रहा तो एक ब्रांड उन्होंने बिल्डअप किया है तो कुछ गुडविल है ना उसकी मार्केट में कुछ वैल्यू है उसकी मार्केट में तो उसको एज एन एसेट रिकोगनाइज करना या नहीं करना ये पार्टनर्स का आपस का डिसीजन है अगर वो करना चाहते हैं तो देन डैट गुडविल बिकम्स अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और अगर वो रिकोगनाइज होकर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बनती है तो फिर उस केस में जब फॉर्म डिजोल्व होती है तो उस ये जो गुडविल है आप इसको सेल कर कर उसका पैसा बनाओगे और वो पैसा सभी पार्टनर में यहाँ पर डिवाइड करेंगे बस यही बातें घुमा फिरा के बताई गई है आपको सेक्शन फोर्टीन में दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जस्ट लुकिंग एट द वॉच मुझे लगता है आज का समय यहाँ पर ख़त्म होता है बाकी की चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में टुमारो सेम टाइम मॉर्निंग एट ए एम टू नाइन ए एम तब तक के लिए मजे कीजिए एंड बाय बाय गुड मॉर्निंग एवरी वन प्लीज टेल मी वंस वेदर यू कैन हियर मी प्रॉपरली क्या आपको सब कुछ स्क्रीन वगैरह विजिबल इज इट गोइंग ग्रेट लेट स्टार्ट सो अपू यस्टडे वी वर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बच्चे आ गए क्या सारे के सारे बता दो रे एक बार मैं दिख रहा हूँ क्या आवाज़ आ रही है क्या बता दो एक बार ऑनलाइन मोड पे ये सारा चीज़ पहले चेक करना ज़रूरी होता है वेदर एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट ओके चलो बहुत बढ़िया द कैमरा में भी मिस बीविक विंग अबिट आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्लरनेस कुछ दिखेगा बट एडजस्ट अबिट वो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो, हो जाएगा चलिए लेट अस गो फॉरवर्ड सो so, कल तक हमने बात करी थी बेटा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की है ना पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उसका इंटेंशन हम उसको कब पार्टनरशिप रिकग्नाइज करते गुडविल के बारे में हमने बातें करी थी नाउ वी टुडे गो फॉरवर्ड द ऑफ पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर आज हम लोग ट्राई करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने का इम्प्लॉयड अथॉरिटी वगैरह जो सारे पार्ट है वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड अस सी हाउ वी कैन गो हैड सो पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स लेट अस कम टू दिस पॉइंट ना व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन सिक्सटीन बड़ा ही सिंपल है फटाफट बता देता हूँ मैं आपको ये सेक्शन सिक्सटीन कहता है कि जब कोई पार्टनर partner, पार्टनरशिप में पार्टनर है और उस समय वो पार्टनर सीक्रेटली कोई प्रॉफिट अर्न करता है पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शन में है ना वो प्रॉफिट अर्न करता है बेटा पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शन में उस केस में उस पार्टनर को जो भी प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट उसको पार्टनरशिप को वापस देना पड़ेगा एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया से एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ए बी सी डी एक इन्होंने पार्टनरशिप चालू करी है चार पार्टनर है ए बी सी एन डी इनका काम है रिफाइनिंग शुगर शुगर को परचेज करना उसको रिफाइन करना और सेल आउट करना अभी ए जो है उसका पर्सनल बिजनेस है होलसेल का होलसेल का पर्सनल बिजनेस है और ए उस ए बी सी डी एन कंपनी में पार्टनर भी है अभी क्या हो गया कि पार्टनरशिप फॉर्म ने डिसाइड करा कि हम एक अच्छे होलसेलर से शुगर को परचेस करेंगे और उसको रिफाइन कर मार्केट में बेचेंगे अभी ए ए का पर्सनल बिजनेस भी था शुगर बेचने का ए वॉज अ होलसेलर ऑफ द शुगर तो एने क्या करा ए उसने एक्चुअली क्या करना चाहिए था उसने पार्टनर्स को बताना चाहिए था कि एक काम करो आप मेरी ही दुकान से शुगर सस्ते दामों में परचेस करो ताकि अपने पार्टनरशिप फॉर्म को फ़ायदा होगा ने क्या करा ए बी सी डी कंपनी का अपने दूसरे पार्टनर को कुछ भी नहीं बताया और अपनी ही दुकान से ऊंचे दामों पर वही शुगर उसने पार्टनरशिप फर्म को दिया तो यहाँ पर ए को पर्सनल प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर लॉ कहता है जहाँ पर ऐसी वाली सिचुएशन है जहाँ पर पार्टनर को ऐसा कुछ सीक्रेट पर्सनल प्रॉफिट होता है जिसमें पार्टनरशिप का कोई रोल है पार्टनरशिप का कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है तो फिर इस केस में अब ए को जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसने अर्न करा है वो पार्टनरशिप फर्म को उसको वापस देना पड़ेगा इतना सिंपल है द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर ये पॉइंट यहाँ पर खत्म होता है अब कौन सी चार केसेस में फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हुआ है ऐसा हम मानते हैं सो देर आर फोर एरियाज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जब ये चार चीजें होती है या इनमें से कोई भी एक चीज होती है तो हम ये मानते हैं कि देर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कौन सा सबसे पहला बड़ा सिंपल है पार्टनर कमिंग इन पार्टनर गोइंग आउट पार्टनर कमिंग इन मतलब नया पार्टनर आ रहा है एक या एक से ज़्यादा पार्टनर गोइंग आउट उस केस में इट इज बाय डेथ और बाय रिटायरमेंट अब पार्टनरशिप में पार्टनर बाहर जाने के देर आर फोर वेज ऑफ पार्टनर गोइंग आउट डेथ रिटायरमेंट इंसॉल्वेंसी एंड एक्सपल्शन एक तो कोई टपक गया या फिर कोई एज हो गया तो वो खुद ही रिटायर हो गया तीसरा वो पार्टनर दिवालिया हो गया मतलब इंसॉल्वेंट हो गया और लास्ट में क्या था बेटा पार्टनर को हमने निकाल दिया बिकॉज पार्टनर बहुत नटखट हो गया था तो हमने उसको निकाल दिया पार्टनरशिप फॉर्म से तो ये चार तरीके पार्टनर के बाहर जाने के लेकिन उनमें से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म में चेंज हुआ ऐसा कब माना जाएगा ओनली इन द केस ऑफ डेथ एंड रिटायरमेंट अच्छा वट आर द नेक्स्ट टू थिंग्स यहाँ पर आप देख रहे हो पार्टनरशिप <coughs> हमने बनाई थी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करने के लिए और आज हम कुछ और बिजनेस भी कर रहे हैं जैसे हमने हमने और आपने मिलकर पार्टनरशिप करेंगे भैया हम सीए का प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के हम उसी पार्टनरशिप फर्म में ट्रेडिंग का बिजनेस भी करने लगे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी करने लगे मतलब जिस बिज़नेस को करने के लिए पार्टनरशिप बनाई थी उसमें वो तो कर ही रहे एडिशनल कुछ और भी कर रहे तो हम बोलेंगे कि पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया और लास्ट का फोर्थ पार्ट क्या है अगर आपकी फिक्स पीरियड पार्टनरशिप है उस फिक्स पीरियड के ख़त्म हो जाने के बाद आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हो तो हम बोलेंगे कि पार्टनरशिप के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने को इतना इज्जत क्यों दिया गया है बिकॉज जब फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है तो जो फर्म के एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स है उनका हमें परमिशन लेना पड़ता है कि क्या नए फर्म में उनको सब चीज़ कम्फर्टेबल है क्या जैसे हम और आप सब लोग पार्टनर थे बराबर और अपने बैलेंस शीट में कोई तो क्रेडिटर थे हमने क्या करा अपने विवेक सर को एज अ पार्टनर लिया हमारे जो मैथ्स के टीचर है विवेक मालू सर को हमने एज अ पार्टनर लिया अब एग्जिस्टिंग क्रेडिटर से हमें परमिशन लेना पड़ेगा कि क्या आपको विवेक मालू सर हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहे हैं क्या आपको इससे कोई दिक्कत है वो हमारे साथ मिलकर आपकी लाइबिलिटी का रिपेमेंट करेंगे क्या आपको कोई दिक्कत है इस हिसाब से इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ फॉर्म कब चेंज होता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है तो लॉ कहता है कि इन चारों केसेस में जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ फॉर्म चेंज हुआ है और एक नया फॉर्म जन्म में आया है तो उस नए फॉर्म में पुराने फर्म के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसी तरह चलते रहेंगे जब तक कि किसी को इससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर बताई हुई है नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी नाउ व्हाट आर द रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी मतलब यहाँ पर पार्टनर्स लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी के बारे में थोड़ा सा बहुत बताया हुआ है पार्टनर टू बी एन एजेंट ऑफ द फर्म ये तो हम पहले दिन से देख ही रहे पार्टनर ना केवल खुद एक दूसरे का एजेंट है पार्टनर फर्म का भी एजेंट है जब कभी भी पार्टनर बिजनेस के कोई डिसीजन बाहर जाकर लेता है तो उसके लिए फर्म लायबल है अगर वो पार्टनर के अथॉरिटी में आता है जैसे आपके और हमारी पार्टनरशिप फर्म दी अफलातुल मशीनरी और आपने मुझे अकाउंटिंग का काम दिया है तो मैं इनकम टैक्स ऑफिस जा रहा हूँ इनकम टैक्स कूटिनी के लिए मैं किसी सी के पास जा रहा हूँ अपने फर्म को ऑडिट करवाने के लिए है ना तो वहाँ पर मैं जो कुछ भी डिसीजन लेता हूँ अगर वो मेरे अथॉरिटी में है तो उसके लिए फर्म भी लाएबल है फर्म मतलब सारे पार्टनर एंड द फर्म इट्स सब लोग लायबल है बिकॉज आई एम एन एजेंट ऑफ द फर्म जो मैं करूंगा उसकी लायबिलिटी मेरे फॉर्म पर आने वाली है बस इतनी सी बात यहां पर बताई हुई है अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर अभी मतलब पार्टनर के इंप्लाइड अथॉरिटी में क्या आता है देखिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूं यार कुछ जस्ट वेट फॉर वन मिनट आप क्या मैं आपको दिख रहा हूं अभी एम आई विजिबल नाउ आई गेस बीच में कुछ अटक गया था दीडियो स्टॉप इन बिटवीन बट नाव आई गेस इट इज वर्किंग प्रॉपरली येस दीडियो स्टॉप इन बिटवीन बट नाउ इट इज वर्किंग प्रॉपरली तो बेटा हम बात करेंगे पार्टनर की इम्प्लॉइड अथॉरिटी के बारे में ठीक है ये वो पार्ट है जहाँ बच्चा सबसे ज्यादा कन्फ्यूज होता है लेकिन आप अब के बार आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे बड़ा ही सिंपल पार्ट है देखिए इम्प्लाइड अथॉरिटी सबसे पहले तो जानेंगे कि अथॉरिटी का मतलब क्या होता है बेटे अथॉरिटी का मतलब होता है कि क्या पार्टनर्स के राइट्स में क्या आ रहा है और क्या पार्टनर के राइट के बाहर है तो अथॉरिटीज दो तरह की होती है एक होती है एक्सप्रेस और एक होती है इम्प्लाइड सर एक्सप्रेस का क्या मतलब है एक्सप्रेस का मतलब है हमने क्लियर कट पार्टनर को बताया है कि तू क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है बताने से अच्छा हमने पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है कि कौन से पार्टनर की क्या ड्यूटीज रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये वाला कौन सा केस हो गया एक्सप्रेस अथॉरिटी बराबर देन वट इज इंप्लाइड अथॉरिटी इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब क्या कि इसके बारे में हमने पार्टनरशिप फॉर्म में के डीड में कहीं पे कुछ लिखा नहीं है लेकिन अगर पार्टनर ये करता है तो इसके लिए फॉर्म लायबल रहेगा अंडरस्टैंड जो एक्सप्रेस अथॉरिटी में है पार्टनर के और वो पार्टनर ने किया तो उसके लिए फर्म लायबल रहेगा इम्प्लॉयड अथॉरिटी झगड़े वाला किस्सा है यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि पार्टनर को ये करना अलाउड था कि अलाउड नहीं था तो इम्प्लॉयड अथॉरिटी में हमें बेसिकली पहले पॉइंट्स देखना है कि वॉट विल कम इन इन इंप्लॉयड अथॉरिटी या फिर कौन कौन से एक्ट को हम बोलेंगे कि इम्प्लॉयड अथॉरिटी में आता है अब देखिए इम्प्लॉयड अथॉरिटी में ना कुछ भी आ सकता है जैसे अगर अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फॉर्म है तो क्लाइंट्स को कंसल्टिंग करना क्लाइंट को लोन में उसको लोन मिलाकर देना क्लाइंट को टैक्स की सर्विसेज देना ये फॉर्म का काम है तो पार्टनर अगर ये करता है तो उसकी इम्प्लॉयट अथॉरिटी में है आर्टिकल्स से टाइप करना आर्टिकलशिप के लिए लोगों को फॉर्म में लेकर आना ये सब कुछ पार्टनर के इम्प्लॉयट अथॉरिटी में है बिकॉज इसके लिए हमें कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है अगर सी का फॉर्म है तो वही काम करेगा ना अगर आप एक फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन कोई कंपनी खोलते हैं जैसे अफलातून ऑनलाइन डॉट कॉम हमने ऐसा कोई वेबसाइट ओपन करा और पार्टनरशिप था तो उस केस में हमारा ट्रेडिंग फर्म है तो अगर ट्रेडिंग का हमारा फर्म है तो लोन लेना सामान को परचेस करना इन्वेंट्री मेंटेन करना उसको बेचना आफ्टर सेल सर्विस ये सब कुछ कोई भी पार्टनर अगर करता है जो पार्टनरशिप फर्म के नाम पर है यूजुअल वे ऑफ डूइंग बिजनेस में है तो पार्टनर के एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है तो देखिए पार्टनर के एम्प्लॉयड अथॉरिटी में क्या आ सकता है इसका मतलब इसको डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है तो लॉ ने क्या करा लॉ ने बोला कि हम वो डिफ़ाइन करेंगे कि क्या पार्टनर के एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आता इसको छोड़ के बाकी सब कुछ पार्टनर के एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आता है तो पार्टनर के एम्प्लॉयड अथॉरिटी में हमें सबसे पहले ये सीखना है वॉट विल नॉट कम इन द पार्टनर एम्प्लॉयड अथॉरिटी निगेटिव लिस्ट हम पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पढ़ेंगे What will not come? What will not come in partner implied authority? In implied authority, क्या implied authority में नहीं आता तो उसकी list यहाँ पर law ने दी हुई है ये कुछ चीजें हैं जो partner के implied authority में नहीं आती मतलब partner इसको अपने मनमर्जे के हिसाब से नहीं कर सकता अगर पार्टनर को ये चीजें करनी है तो उसके पास इसकी पावर होनी चाहिए या इसके बारे में कुछ तो लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में अपने मन मुताबिक वो चीजें नहीं कर सकता तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा कि पार्टनर इम्प्लॉयड अथॉरिटी में क्या नहीं आता तो क्या नहीं आता जरा देखते सबसे पहला पॉइंट क्या है सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अगर पार्टनरशिप फर्म का कहीं पर कोर्ट में केस चल रहा है तो पार्टनर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी मन मुताबिक केस को आर्बिट्रेशन में दे दे उसको पार्टनर की परमिशन लेनी पड़ेगी या तो उसके पास एक्सप्रेस पावर चाहिए पार्टनरशिप डीड में मन मर्जी नहीं कर सकता आगे और क्या नहीं कर सकता वो ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन इज ओन नेम मान ना मान मैं तेरा मेहमान मतलब पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है अपने नाम पे ओपन किया बैंक में जाके ऐसा पार्टनर नहीं कर सकता कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म कोर्ट केस में पार्टनरशिप फर्म ने कोई क्लेम रखा है कि हमको इतना पैसा चाहिए या इंश्योरेंस का आपने क्लेम रखा हमको इतना पैसा चाहिए पार्टनर वहाँ जा नहीं बोलता कोई बात नहीं आपने पैसा नहीं दिया तो भी चलेगा मैं देख लूंगा ऐसा आप खुद के पैसे नहीं बोल सकते आपके पास पावर चाहिए ये आपके इम्प्लॉयड अथॉरिटी के बाहर है और वो क्या नहीं कर सकता विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म फर्म ने किसी पर यहाँ पर केस फाइल करा है तो पार्टनर उसको अपनी अथॉरिटी से विड्रॉ नहीं कर सकता समझे अगर उसको विड्रॉ करना है तो उसके पास स्पेसिफिक एक्सप्रेस पावर चाहिए पार्टनरशिप डीड में वो मन मर्जी के इसको नहीं कर सकता और क्या नहीं कर सकता एडमिट एनी लाइबिलिटी इन द सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फॉर्म फॉर्म पे किसी ने केस फाइल किया था तो पार्टनर बोल रहा है ठीक है हम आपको आपका पैसा दे देंगे <coughs> ऐसा पार्टनर अपने मन मुताबिक नहीं बोल सकता भैया दूसरों को पूछना पड़ेगा उसको अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्म फॉर्म के बिहाफ पे प्रॉपर्टी के डिटेल्स मतलब प्रॉपर्टी के नॉट डिटेल्स प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं कर सकता उसको पूछना पड़ेगा सबको देखिए तो तो पास एक्सप्रेस अथॉरिटी चाहिए अथॉरिटी से बाहर है आगे इंटर इंटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म के पे पर भी जाकर क्या कर रहा है वो फर्म के बिहाफ पर कहीं पर भी जाकर क्या कर रहा है पार्टनर्स बन के आ रहा है फर्म की पार्टनरशिप करके आ रहा है चलेगा क्या बिल्कुल नहीं चलेगा नहीं चलेगा आपको एक्सप्रेस अथॉरिटी लगेगी इंप्लॉयड अथॉरिटी में ये नहीं आता तो सर क्या हमें एग्जाम के एंगल से ये लिस्ट याद रखना जरूरी है हाँ आपको बेटा एग्जाम के एंगल से ये लिस्ट आपको याद रखना पड़ेगा चलो अभी ये तो हमने देख लिया कि उसके पार्टनर के इंप्लॉयड अथॉरिटी में क्या नहीं आता देखिए इंप्लॉयड अथॉरिटी का बेसिक क्या मतलब है कि पार्टनर क्या क्या कर सकता है विदाउट एक्सप्रेस पावर तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि वो क्या नहीं कर सकता है विदाउट एक्सप्रेस पावर अब जान लेंगे कि ऐसी कौन सी एक्ट्स है जो वो कर सकता है ये उसके इम्पलेट अथॉरिटी में आएगा और फिर उसके लिए फॉर्म लाएबल होगा अंडरस्टैंड ये उसके अथॉरिटी में है कि नहीं है ये हम क्यों जान रहे वाई आर वी स्टडिंग दिस बिकॉज अगर पार्टनर के अथॉरिटी में आता है तो फिर फॉर्म लाएबल है अगर पार्टनर के अथॉरिटी से बाहर है तो फिर पार्टनर पर्सनली लायबल है फर्म उसके लिए लायबल नहीं है तो अभी पार्टनर क्या नहीं कर सकता इम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर वो तो हमने देख लिया अब हम देखेंगे कि पार्टनर क्या कर सकता है अब देखिए पार्टनर क्या कर सकता है इसको ना डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज ट्रेडिंग फर्म के केस में इंप्लॉयड इंप्लॉयड अथॉरिटी का डेफिनेशन बदल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के फर्म के केस में इंप्लॉयड अथॉरिटी का डेफिनेशन बदल जाएगा आप समझ रहे हो सर्विस के अगर आपका कोई सर्विस इंडस्ट्री का आपका पार्टनरशिप फॉर्म है उस केस में पार्टनर के इंप्लॉयड अथॉरिटी का डेफिनेशन बदल जाएगा तो पार्टनर क्या कर सकता है इसको बहुत स्पेसिफिक इसको स्पेसिफिक वे से डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है तो लॉ ने यहाँ पे दिमाग लगाया लॉ ने बोला एक काम करो पार्टनर सब कुछ कर सकता है अगर वो ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर उसमें हम बोलेंगे कि पार्टनर ने जो कुछ भी किया है वो उसके इंप्लायड अथॉरिटी में है और इसके लिए फिर फर्म लायबल है सर वो तीन कंडीशन कौन सी वो तीन कंडीशन कौन सी देखना जरा नीचे आराम से वो तीन कंडीशन बेटा ये रही आपके सामने कि पार्टनर ने किस तरीके से उस एक्टिविटी को करना चाहिए ताकि वो उसके इम्प्लॉयड अथॉरिटी में आ जाए और फिर फर्म लायबल हो क्या है वो चीजें सबसे पहले द एक्ट मस्ट बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म फर्म के नाम पे आप एक्ट करो सेकेंड द एक्ट इज सच एज इज डन फॉर द नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फॉर्म में एग्जाम्पल लूंगा समझ में आएगा और तीसरा द एक्ट इज डन टू बी डन इज इन द नेम ऑफ द फर्म और इन एनी मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइड अच्छा ये ऊपर वाला था द एक्ट मस्ट रिलेट टू द यूजल बिजनेस ऑफ द फॉर्म मतलब ये फर्म के बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए ये नॉर्मल प्रोसेस से फॉलो होना चाहिए और ये फर्म के नाम पे होना चाहिए अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है और पार्टनर ने कुछ एक्टिविटी करी है तो हम बोलेंगे ये एक्टिविटी पार्टनर के इम्प्लाइड अथॉरिटी में है और इसके लिए फिर फॉर्म पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दूँ क्या आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का फॉर्म एक अपना आपका और मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट का फॉर्म एक्जाम्पल लेंगे अफलातून एन कंपनी उसमें मैं पार्टनर हूँ ठीक है मैंने क्या करा मैंने क्लाइंट को फ़ोन करा और मैंने क्लाइंट को बोला कि आप ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट भेज दो हमारे यहाँ पे ऑडिटिंग के लिए मैंने आर्टिकल से उस ऑडिट को करवाया फिर मैंने उसको चेक करा और मैंने अपने पर्सनल कंप्यूटर से उस क्लाइंट का रिटर्न यहाँ पर अपलोड कर दिया अब ये जो मैंने करा है क्या ये मेरे इम्प्लेट अथॉरिटी में आता है या नहीं आता है हम इसको टेस्ट करेंगे सबसे पहला रूल क्या ये मैंने जो करा क्या ये एक्टिविटी फर्म के नाम पर थी हाँ बिल्कुल फर्म के नाम पर थी मैंने क्लाइंट को जब फ़ोन करा तो मैंने उसको बोला मैं अफलातून तो एंड कंपनी का पार्टनर बात कर रहा हूँ आपके बुक्स ऑफ आप अकाउंट्स भेज दो तो ऑडिट के लिए तो मैंने फर्म के नाम पे करा ठीक है सेकंड क्या ऑडिटिंग करना इनकम टैक्स रिटर्न को अपलोड करना क्या ये सी के प्रैक्टिस के रिलेटेड वाली एक्टिविटी है आंसर इज यस तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है और तीसरी क्या इसी प्रोसेस को हम दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी फॉलो करते हैं मतलब जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मंगवाना फिर आर्टिकल से काम करवाना फिर उसको चेक करना और फिर उसको अपलोड करना क्या इसी प्रोसेस को हम सारे ही हमारे जो ऑफिस सीए के क्या इसी तरीके से इस काम को हम लोग करते हैं आंसर इज यस तो क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो भले ही मैंने वो इनकम टैक्स का रिटर्न क्लाइंट का अपने पर्सनल कंप्यूटर से अपलोड किया है ये मेरे इंप्लॉयड अथॉरिटी में आता है तो ये इसके लिए फर्म लाइबल हो जाएगा है ना उस इनकम टैक्स रिटर्न को अगर मैंने गलत अपलोड करा क्लाइंट पर बड़ी सारी इनकम टैक्स का पेमेंट आ गया तो पैसा मेरे जेब से नहीं जाएगा फर्म के जेब से जाएगा बिकॉज ये एक्ट मेरे इंप्लॉयड अथॉरिटी में आती है समझ गए मेरे अथॉरिटी में आती है आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस सो इस तरीके से आपको चेक करना है कि तीन कंडीशन को क्या फर्म के नाम पर हुआ है काम सेकेंड क्या ये जो प्रोसेस फॉलो हुआ है ये नॉर्मली फॉर्म में फॉलो होता है थर्ड क्या ये जो एक्टिविटी है ये फर्म के यूजुअल बिजनेस से रिलेटेड है अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पार्टनर ने जो कुछ भी करा है वो उसके इम्प्लॉयड अथॉरिटी में आता है और क्योंकि इम्प्लॉयड अथॉरिटी में आता है इसलिए फिर फॉर्म लाइबल हो जाता है आई होप द कन्फ्यूजन ऑफ इम्प्लॉयड अथॉरिटीज प्रॉपरली एड्रेस्ड तो देखिए हमने प्रॉपरली पढ़ लिया कि इसके इम्प्लॉयड अथॉरिटी में क्या आता है और क्या उसके बाहर है वो तो पूरी लिस्ट ही हमने देख ली उसके बाहर क्या है ये तो पूरा देख लिया वो आर्बिट्रेज को नहीं दे सकता वो अगर किसी पर केस फाइल किया तो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता राइट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकता इमुएबल प्रॉपर्टी सेल परचेस ये सब चीजें नहीं कर सकता कहीं पर जाकर बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता अपने नाम पर और लास्ट में क्या लिखा था कि पार्टनरशिप फॉर्म के ब्यापर कहीं पर जाकर पार्टनरशिप का ऐसा काम नहीं कर सकता अगर उसके अथॉरिटी में नहीं है तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटीज प्रॉपरली एड्रेस्ड चलो बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे let us go forward extension and restrictions of the partner implied authority extension and restriction of the partner implied authority क्या हम पार्टनर इंप्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कैसे करेंगे सर कुछ नहीं हमें केवल पार्टनरशिप डीड में जाकर उसको लिख देना है फिर जैसा पार्टनरशिप डीड होगा उस तरीके से आप चीजें करोगे ये देखो ये एक्ट बड़ा फ्लेक्सिबल है मैंने आपको जब एक्ट चालू करी तभी बताया सबसे फ्लेक्सिबल एक्ट है एक्ट पहले दिन बोलता है सुनो भैया इधर आ जाओ ओ पार्टनर इधर आ जाओ तुम आपस में बैठ के ना डिसाइड कर लो कि तुमको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है वो सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिख दो फिर उस हिसाब से करो हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर तुमने कुछ नहीं लिखा इधर ध्यान देना अगर तुमने कुछ नहीं लिखा तो फिर जो इधर लिखा है वैसा फॉलो करना है आप समझ रहे हो ना तो बड़ा फ्लेक्सिबल है तो क्या पार्टनर के इंप्लॉय अथॉरिटी को हम एक्सटेंड या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं क्या हाँ हम कर सकते हैं कैसे कुछ नहीं हमें केवल पार्टनरशिप डीड में लिख देना है हमें केवल पार्टनरशिप डीड में लिख देना है अब देखिए वो एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल यहां पर है लेटेस्ट से फॉर एग्जाम्पल हमारी वो अपनी सीए का फॉर्म था ठीक है अब क्या हो गया फॉर्म थी नहीं हमारी सी की अब हुआ यू कि क्लाइंट के लिए टैक्स का पेमेंट करना था ठीक है क्लाइंट के लिए टैक्स का पेमेंट करना था और मैंने देखा कि अपने फॉर्म के पास अभी उतना बैंक में बैलेंस नहीं है मैं क्या किया मैं अपने एक दोस्त के पास गया उसको मैंने बोला यार देखना हमारे फॉर्म में ना बड़ा पेमेंट करना है तो तू इमीडिएटली मुझे पचास लाख रुपए का लोन दे दे तो उस दोस्त ने मुझे पचास लाख रुपए का लोन दिया ठीक है अब वो लोन मैंने क्या करा पार्टनरशिप फर्म के डेट्स को पेमेंट के लिए मैंने यूज़ किया मतलब पार्टनरशिप डीड के हित में उसको नॉट डीड सॉरी पार्टनरशिप फर्म के हित के लिए उसको यूज़ किया अभी देखिए सीए फर्म में अगर आप काम करते हैं तो ऐसे पर्सनल नाम पे लोन लेना इज नॉट नॉर्मली विद इन द इम्प्लड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर बराबर क्योंकि ये ये नाम तो मैंने पर्सनल पे लिया पार्टनरशिप फर्म के नाम पे मैंने नहीं लिया पर्सनल नाम पे लिया लेकिन क्या ये मेरे इम्प्लॉयड अथॉरिटी में आ सकता है तो यहाँ पर लॉ कहता है हमको फैक्ट्स बेस्ड देखना है तो जब ये अगर मुकदमा कोर्ट में जाता है तो जज क्या देखेगा क्या रचेंद्र सर ने फर्म के नाम पर लोन लिया क्या नहीं क्या उन्होंने पर्सनल नाम पर लोन लिया हाँ तो ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से कि इंप्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आता तो फर्म लायबल नहीं है लेकिन मैंने वो लोन लेकर क्या किया क्या मैंने उसके अपने अपने नाम पर मजे करे नहीं मैंने तो फर्म को बचाने के लिए लोन लिया तो क्या ये चीज मेरे इंप्लॉयड अथॉरिटी में हम अभी डाल सकते हैं तो लॉ कहता है कि यस ये पार्टनर के एंप्लॉयड अथॉरिटी में आप बाद में भी डाल सकते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट या एक्सटेंड आप कर सकते हैं अगर वो डिसीजन पार्टनरशिप फॉर्म के हित में लिया जाता है right? राइट? मतलब कि ये उसके के बाहर है लेकिन सामने वाले बंदे को भी ये पता है कि ये पार्टनर के इंप्लेट अथॉरिटी के बाहर है मतलब दोनों पार्टी को पता है कि पार्टनर के अथॉरिटी के बाहर है फिर भी दोनों पार्टीज अगर यहां पर आपस में डील करती है फिर उस केस में फॉर्म लायबल नहीं होगा फॉर्म लायबल नहीं होगा आर यू अंडरस्टैंडिंग बस उतना सा पार्ट है बेटा और लास्ट में पार्टनर्स अथॉरिटी एन इन एन इमरजेंसी पार्टनर अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी इमरजेंसी मतलब जहां पर फर्म पर कोई कयामत आ टपकी है फर्म को बचाने के लिए पार्टनर ने कुछ ऐसी एक्ट्स करी जो नॉर्मली उसके अथॉरिटी में नहीं है तो क्या ये पार्टनर कर सकता है आंसर इज एस ये कर सकता है एग्जाम्पल ले लो हमारे पार्टनरशिप फॉर्म पर इनकम टैक्स की रेट गिर गई अब इनकम टैक्स की रेट जब गिरती है तो बहुत हजारों सवाल आपसे पूछे जाते हैं आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता है आपके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है आपके सारे बैंक अकाउंट्स को सील किया जाता है आप समझ रहे हो तो जब इतनी बड़ी बात इतनी बड़ी इनकम टैक्स रेट हमारे पार्टनरशिप फॉर्म पर आती है तो क्या ये इमरजेंसी की सिचुएशन है आंसर इज यस उस केस में पार्टनर जो कुछ भी डिसीजन लेता है अगर वो पार्टनरशिप के हित में है फिर भले ही वो उसके अथॉरिटी में हो या ना हो फर्म पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बिकॉज इमरजेंसी की सिचुएशन थी फर्म को बचाने के लिए पार्टनर ने डिसीजन लिया तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वो डिसीजन उसके अथॉरिटी में था या नहीं था क्या इनकम टैक्स रेट से बचाने के लिए मैंने अपने फर्म के लिए कोई डिसीजन लिया आंसर इज यस तो उस केस में फिर फर्म लाएबल नहीं आई मीन फर्म लाएबल होगा पार्टनर पर्सनली नहीं फिर फर्म लाएबल वहां पर होगा सो दैट इज पार्टनर अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी तो इमरजेंसी का सिचुएशन है फॉर्म को बचाने के लिए पार्टनर ने कुछ खतरनाक डिसीजन ले लिया है फॉर्म लाइबल होगा बिकॉज ये पार्टनर की अथॉरिटी में आता है ऐसा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मान दिया जाएगा सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट वॉट कम्स इन द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर एंड वॉट इज आउटसाइड दैट अथॉरिटी चलो बेटा लेटस गो टू द नेक्स्ट पार्ट इफेक्ट ऑफ एडमिशन्स बाय अ पार्टनर इफेक्ट ऑफ एडमिशन्स बाय अ पार्टनर सर एडमिशन मतलब क्या पार्टनर अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा रहा है नहीं बेटे एडमिशन का मतलब होता है रीप्रेजेंटेशन एडमिशन का मतलब होता है बेटा रिप्रेजेंटेशन एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कस्टमर के सामने कुछ बोल देता है कुछ बोल देता है और वो चीज़ अगर नहीं होती है तो उसके लिए बेटा फर्म यहां पर लायबल होगा देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्स और वाई दो पार्टनर है और ये स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं जेड कोई तो कस्टमर है मतलब ये बाइक के स्पेयर पार्ट का बिजनेस करते थे जेड की कोई यवाह की बाइक थी वो खराब होती है वो एक्स और वाई की दुकान पर आता है ठीक है एक्स उसको बोलता है कि एक काम करो तुम एक स्पेयर पार्ट लेकर जाओ हमारे दुकान से ये तुम्हारे बाइक के लिए बहुत परफेक्ट है अब जेड बोलता है ठीक है कोई बात नहीं अभी ये पार्टनर इतना बोल रहा है होगा शायद मेरे बाइक के लिए परफेक्ट जेड वो पार्ट लेकर चला जाता है एक्चुअली वो पार्ट जेड के बाइक के लिए अच्छा नहीं है आकर बाद में जेड क्या बोलता है एक्स को कि चल मेरे पैसे लौटा भैया ये यह यहाँ पर जो है आ, मेरे बाइक के पार्ट अच्छी तरीके से नहीं बैठ रहा मेरे बाइक में यहाँ पर एक्स क्या पर्सनली लाएबल है या वो एक्स एंड वाई की कंपनी का फॉर्म लाएबल है जेड को उसका पैसा वापस देने के लिए लॉ कहता है कि जब कोई पार्टनर किसी कस्टमर या थर्ड पर्सन के सामने फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन करता है उस केस में वो फॉर्म का एजेंट है फर्म के बीह पे उसने काम करा है तो इस केस में द फर्म विल बी लाइबल फिर वाई ऐसा नहीं बोल सकता कि अरे नहीं नहीं मुझे तो पता ही नहीं था एक्स ने पता नहीं तुमको रॉन्ग पार्ट क्यों दे दिया मैं आपको पैसा वापस नहीं दे सकता लॉ कहता है एक्स और वाई का घर का झगड़ा है वो घर पे रखे कस्टमर के साथ आप ऐसा ना इंसाफी नहीं कर सकते आपने एक्स ने रिप्रेजेंट किया क्या और वाई ने रिप्रेजेंट किया क्या नाम तो फर्म का गया ना तो फर्म विल बी लाएबल फॉर दिस सो इफ एनी पार्टनर एडमिट्स एनी इन कस्टमर इन दैट केस ही सिंपल सा केस है अगला अब छोटे छोटे क्या एक्टिंग पार्टनर को नोटिस देना मतलब क्या फर्म को नोटिस दिया जैसा ही है क्या क्या एक्टिंग पार्टनर को नोटिस देना यह फर्म को नोटिस दिया हमने ऐसा मान लिया जाएगा क्या एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ बड़ा सिंपल है अब आपकी और हमारी पार्टनरशिप फर्म है अफलातून मशीनरी उस पार्टनरशिप फर्म का मैं हूं मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब मैं हूं एक मैनेजिंग पार्टनर सारे डिसीजन मैं ले रहा हूं मैं एक्टिव पार्टनर हूं मतलब सारे पार्टनर में मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर हूं और हमारे पार्टनरशिप फर्म पर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है कोई मुकदमा हम पर चल रहा है फिर आपने देखा होगा मूवीज़ में तारीख़ पे तारीख तारीख पे तारीख़ बराबर अब कोर्ट को अगली तारीख हमको देना था कोर्ट को अगली तारीख हमको देना था इंद्रजीत चौहान का कुछ सवाल यहाँ पर आया बच्चा कहता है सर ये एग्जाम्पल नेमो डैट क्वाड प्रो हैबिट में बेटे नेमो डॉट क्वाड क्या बोल रहे हो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बातें बता रहे हो नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट बेटे वो एक अलग चीज है ये एक अलग चीज है आप दोनों चीजों को मिक्स मत करो यहां पर दैट इज अ डिफरेंट केस एंड दिस इज अ डिफरेंट केस चलिए मैं वा... वापस यहा डिस्कशन पे, पे आता हूं मैं बात कर रहा था कि एक्टिंग पार्टनर को नोटिस देना क्या पूरे फॉर्म को नोटिस देने जैसा ही है क्या तो लॉ कहता है यस अगर आप किसी एक्टिंग पार्टनर को भी नोटिस दे देते हो या किसी एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे देते हो तो वो नोटिस हमने पूरे फॉर्म को दी है ऐसा मान लिया जाएगा एक सिंपल एग्जाम्पल है अगर आपके घर कोई शादी का इन्विटेशन देने आता है और उसने इन्विटेशन का कार्ड आपके पापा के हाथ में दे दिया और बोला कि सारे फैमिली मेंबर शादी में आई है तो आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना अरे मेरे को कार्ड नहीं दिया पापा को कार्ड दिया मेरे को किधर इन्विटेशन दिया ऐसा बोलते हो क्या आप, आपके पापा को इन्विटेशन दिया मतलब पूरे फैमिली को इन्विटेशन दिया सेम लॉजिक इधर भी अप्लाई होता है कि अगर किसी एक्टिंग पार्टनर को एक्टिव पार्टनर को नोटिस दिया जाता है मतलब ही पूरे फर्म को नोटिस दिया जाएगा ऐसा हम आराम से मान सकते हैं बस इतना ही सेक्शन ट्वेंटी आपको यहाँ पर बताता है नाउ वी गो टू लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी अब ये वापस घुमा फिरा कर उसी बात को बताएंगे बड़ा ही सिंपल है कोई ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है आगे देखते हैं लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फॉर्म फॉर्म अगर कुछ भी करे क्या उसके लिए पार्टनर लाइबल हो जाएगा जैसे हमारे मशीनरी का मैंने बताया अपना पार्टनरशिप फॉर्म है तो हमारा कोई पार्टनर मतलब लेटेस्ट से फॉर एग्जाम्पल मैं बीमार था मुझे हो गया कोविड मैं दो तीन महीने के लिए फॉर्म पे काम पे नहीं आया उस तीन महीनों के दौरान फर्म ने बहुत सारा बिजनेस करा तो क्या उन सारी एक्टिविटी के लिए मैं लायबल रहूंगा क्या क्या फर्म के एक्ट के लिए पार्टनर लायबल रहेगा क्या आंसर इज यस पार्टनर विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनर क्यों एजेंट है भैया एजेंट कहाँ इसलिए ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है म्यूचुअल एजेंसी उसी सेम लॉजिक से अगर पार्टनर से कोई गलती हो जाती है तो क्या उसके लिए फर्म लायबल होगा क्या रॉन्गफुल एक्ट मतलब क्या अब जैसे अपनी सी फर्म है अपनी सी फर्म है और हम सब मिलकर पार्टनर है अब किसी एक पार्टनर से कोई क्लाइंट का रॉन्ग टैक्स कैलकुलेशन हो जाता है उस जो क्लाइंट है एक्चुअली उसको टैक्स पेबल आना चाहिए था एक लाख रुपया लेकिन गलत कैलकुलेशन की वजह से उसको डेढ़ लाख रुपए का टैक्स भरना पड़ा ये गलती हमारे किसी पार्टनर की थी तो अब वो जो बंदा है उसको पता चला अरे मेरे को तो एक लाख रुपए भरना था इन्होंने गलत कैलकुलेशन करा इसलिए मेरे जेब से पचास हजार रुपया एक्स्ट्रा गया अभी वो आके ऑफिस पे बैठा है अपने बोल रहा है मेरे को मेरा पचास हजार रुपया वापस चाहिए अब क्या हमारे पार्टनर की गलती जो हुई है उसके लिए क्या सभी फर्म लाएबल होगा क्या पूरा फर्म यहाँ पर लाएबल होगा तो लॉ कहता है कि यस द कंप्लीट फर्म विल बी लाइबल लेकिन यहाँ पर लॉ बोलता है कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है ये जो गलती है ना जेन्युन गलती होनी चाहिए पार्टनर ने अगर फ्रॉड करके गलती करी है तो उसके इसमें पार्टनर पर्सनली लाएबल है हाँ उससे जेनुइनली मिस्टेक हो गई गलती से मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन एरर ह्यूमन एरर हो सकता है वो उसका इंटेंशन नहीं था फ्रॉड करने का लेकिन अब इंसान है बेटा गलती हो गई उससे तो पार्टनरशिप फॉर्म विल बी लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर एग्जाम्पल को बदलते पार्टनर है कोई अपने पार्टनरशिप फॉर्म में उसने जान के क्लाइंट को डुबाया है फ्रॉड किया है अब उस केस में कौन लायबल होगा उस केस में डेट पार्टनर पर्सनली विल बी लायबल फॉर्म पर लायबिलिटी नहीं आएगी बस इतनी सी बात यहां पर बताई हुई है अस गो फॉरवर्ड लायबिलिटी ऑफ द फॉर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर लायबिलिटी ऑफ द फॉर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है बराबर या हमारा लेटर्स से फॉर एग्जाम्पल हम सबने मिलकर एक बैंक ओपन कर ली पार्टनरशिप फॉर्म ने अपने बैंकिंग का बिजनेस चालू किया तो बैंक में आपने क्या देखा है कि लोग जाकर पैसा जमा करते हैं पैसा विदड्रॉ करते हैं तो पैसा बड़ा एक रिस्क हो जाता है तो लॉ यहाँ पर कहता है कि जब कोई थर्ड पर्सन फर्म को कोई कैश या कोई सिक्योरिटी या कुछ भी लाकर फर्म को देता है उसने फर्म को दिया या पार्टनर को दिया उस केस में किसी पार्टनर ने उस चीज़ को चुरा लिया या उस चीज़ का एप्लीकेशन किया उस केस में फर्म लायबल होगा एक सिंपल एग्जांपल दूं क्या मैं आपको हमारा वही अपना सीए का फर्म मैं फर्म का पार्टनर हूं अपना क्लाइंट अपने ऑफिस आता है और बोलते कि सर ये लीजिए एक लाख रुपए और वो आपने बोला था ना टैक्स पेमेंट करना है तो ये एक लाख रुपए लो और आप टैक्स भर दो अभी मैंने उससे एक लाख रुपए लिया है ना आई एम द पार्टनर ऑफ द फर्म मैंने एक लाख रुपए लिया मैंने देखा कि मुझे एक लाख रुपए लेते हुए यहाँ पर किसी ने नहीं देखा मैंने वो एक लाख रुपए लिया और मेरे पर्सनल शेयर मार्केट में मैंने उसको लगा दिया पर्सनल नाम पर शेयर मार्केट में लगा दिया अब क्या क्लाइंट के नाम का वो टैक्स उसके नाम पर भरा गया आंसर इज नो वो पैसा क्या किया मैंने अपने नाम पर इन्वेस्टमेंट कर दी शेयर मार्केट में तो यहां पर क्या मैंने फर्म के प्रोसीड्स को मिस अप्लाई किया है ये yes. तो क्या इसमें क्लाइंट की गलती है नहीं यहाँ पर गलती पार्टनर की है तो क्या इस एक्ट के लिए फर्म लायबल होगा लॉ कहता है इस एक्ट के लिए फर्म लायबल होगा फर्म एक लाख रुपया उस पार्टनर उस क्लाइंट को वापस करेगा अब बोलोगे सर लेकिन गलती तो पार्टनर की है ना अरे तो बाकी पार्टनर मिलके मेरे से वसूल करेंगे ना लेकिन वो अपने घर का झगड़ा है तो अपन घर में बाद में सुलटा लेंगे लेकिन क्लाइंट के सामने लाइबिलिटी तो फर्म की आएगी है ना अफला तुन कंपनी विल पे बैक दैट रुपीज वन लैक टू तो दैट क्लाइंट मैंने जो गलती करी है उसकी सजा पूरे भुगतेंगे और सारे लोग मिलकर उसको पैसा वापस करेंगे हाँ मेरे को फिर बाद में कूटेंगे मेरे से पैसा लेंगे वो बात अलग है लेकिन जब फर्म की बात लाइबिलिटी आती है कि नहीं आती है तो लॉ कहता है फर्म की लाइबिलिटी आती है वापस एक एग्जाम्पल लेते हैं वही क्लाइंट एक लाख रुपए लेकर आता है अब की बार उसने एक लाख रुपए फर्म के प्यून के पास दिया वो प्यून ने क्या करा फर्म के कबर्ड में उस पैसे को रख दिया मतलब ये फर्म के कस्टडी में ये किसी पार्टनर ने नहीं लिया मेरे को पता चला कि किसी क्लाइंट का एक लाख रुपया आया मैंने उसको निकाला और वापस से मैंने अपने शेयर मार्केट में उसको लगा दिया क्या इस सिचुएशन में भी फर्म लायबल होगा आंसर इज यस तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रॉपर्टी या वो जो सिक्योरिटी है वो क्लाइंट ने पार्टनर को दिया था या क्लाइंट ने फर्म को दिया था कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मिस एप्लीकेशन पार्टनर ने करा है ना फर्म लायबल होगा लेकिन बाद में पार्टनर आपस में डिस्कस करके उसको सुलटा भी लेंगे लेकिन जब लाइबिलिटी की बात आती है तो फर्म विल बी लाइबल टू मेक दैट रिपेमेंट टू द क्लाइंट आई होप योर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे सो so, यहाँ पर लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टीज वाला पार्ट खत्म होता है जहां पर हमने देखा कि मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर और फर्म के एक्ट्स के लिए क्या पार्टनर भी लाइबल होता है सो दिस इज वॉट वी हैव डन इट बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आ रहा है राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ़ पार्टनर्स इंटरेस्ट राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ़ पार्टनर्स इंटरेस्ट क्या आप किसी फर्म में अगर पार्टनर है तो क्या आप अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या तो लॉ कहता है कि जी हाँ आप अपना इंटरेस्ट किसी थर्ड पर्सन को यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे अपना सीए का फर्म है अफलातून एंड कंपनी मैं आपके फर्म में पार्टनर हूँ अब मेरा एक दोस्त है चिंटू तो मैंने क्या करा मैंने बोला कि देखो यार मैं ना फर्म के काम में अब ध्यान नहीं दे सकता और मेरे को एज फर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है तो एक काम करता हूँ जो भी फर्म से मेरे को इनकम आता है या जो भी मेरा फर्म में रोल है मेरा जो इंटरेस्ट है फर्म में एज अ पार्टनर वो मैं किसी और को ट्रांसफ़र कर देता हूँ मेरा ये दोस्त है चिंटू ये मेरा पार्टनरशिप का बेनिफिट मैं चिंटू को पास ऑन कर रहा हूँ क्या ऐसा आप कर सकते हैं तो लॉ कहता जी हाँ आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं लेकिन वो जो चिंटू है ना वो पार्टनर नहीं है ही इज जस्ट अ ट्रांसफरी ऑफ माई इंटरेस्ट आई एम द ट्रांसफरर मैं ओरिजिनल पार्टनर हूं मैं सगा पार्टनर हूं वो सौतेला है अब अब इसको थोड़ा इस एंगल से समझिए मैं सगा पार्टनर हूं वो सौतेला पार्टनर है तो उसके साथ सौतेला व्यवहार ही होगा उसके साथ सौतेला व्यवहार ही होगा आई एम द ओरिजिनल पार्टनर वो तो डमी पार्टनर है वो तो कौन सा है डमी पार्टनर है तो उसके क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज है तो वो बस नीचे समराइज किए हुए तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे उसके राइट्स जब पार्टनरशिप फर्म जिंदा है तब उसके राइट्स क्या है और उसके राइट्स जब पार्टनरशिप फर्म डिजोल्यूशन में चला गया है तो पहला हिस्सा कहता है ड्यूरिंग द कंटिन्यूंस ऑफ पार्टनरशिप उस जो हमारा चिंटू है ना जिसको मैंने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया उसके क्या राइट्स हैं वो क्या क्या नहीं कर सकता वो क्या क्या नहीं कर सकता फर्स्ट वो रोज के बिजनेस में दखल अंदाजी नहीं कर सकता वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन नहीं कर सकता और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपीज अपने घर पर भी नहीं लेकर ले जा सकता लेकिन क्या उसको प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे उसको प्रॉफिट्स मिलेगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा जो कुछ फ़ायदा मुझे मिलता था वो सारे फ़ायदे चिंटू को मिलेंगे लेकिन चिंटू ये चीज़ें नहीं कर सकता क्या वो रोज ऑफिस उसके आने का कोई रोल नहीं है बिकॉज मैं ओरिजिनल पार्टनर हूँ चिंटू ऑफिस नहीं आएगा चिंटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक नहीं करेगा चिंटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी भी अपने घर पर नहीं लेकर जा सकता लेकिन हम चिंटू को प्रॉफिट्स भी देंगे चिंटू मतलब माइनर नहीं है मेजर की बात कर रहा हूँ वो नाम में ऐसा लगता है माइनर है लेकिन मेजर आपको अज्यूम करना है उसको हम प्रॉफिट्स देंगे हम उसको इंटरेस्ट देंगे जो मुझे मिल रहा है बेनिफिट वो उसको मिलेगा लेकिन वो बिजनेस में नहीं आ सकता बुक्स नहीं देख सकता बुक्स की कॉपीज भी नहीं लेके जा सकता ये राइट्स उसके कब है जब पार्टनरशिप फॉर्म जिंदा है लेकिन अगर पार्टनरशिप फॉर्म डिजोल्यूशन में जाती है ये देखिए ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर द ट्रांसफरी मतलब चिंटू अपने केस में अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर उसके पास यहां पर दो राइट है पहला क्या राइट है टू रिसीव द शेयर ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म टू विच ट्रांसफरिंग पार्टनर वॉज एंटाइटल फर्म डिजोल्यूशन में चला गया तो मेरे हिस्से का जो कुछ भी प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाला है वो चिंटू को मिलेगा एंड सेकेंड फॉर पर्पज ऑफ एसेटर्निंग द शेयर इज एंटाइटल टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिजोल्यूशन मतलब अब फाइनल सेटलमेंट हो रहा है ना फाइनल सेटलमेंट हो रहा है ना उस केस में उसको उसके हिस्से का जो अकाउंट है वो इंस्पेक्शन कर सकता है वो हिसाब किताब को चेक कर सकता है सिर्फ डिजोल्यूशन के केस में जब नॉर्मल फॉर्म जिंदा था उसको तो हम फॉर्म में भी नहीं आने दे रहे थे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं हमने दिया ना ही उसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करने दिया लेकिन डिजोल्यूशन एक थोड़ा सा अलग केस है उस केस में हम उसको क्या करेंगे इंस्पेक्शन करने देंगे और जो कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा अगर मुझे कुछ मिलना ड्यू है तो वो मेरी जगह पर चिंटू को मिलेगा राइट right? सो so बस इतना ही है वहां पर राइट ऑफ अ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर अब आता है उसी तरीके से एक अगला कॉन्सेप्ट बेटा द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप देखो क्या होता है बेटा जब फास्ट ट्रैक बैच चलती है ना तो फास्ट ट्रैक बैच में एक बेसिक एजम्पन होता है कि बच्चे ने एक बार लॉ को तो पढ़ा हुआ है और हम सारी कॉन्सेप्ट्स को कम समय में कवर करने का ट्राई करते हैं हम चाहते हैं कि जितना भी समय आपकी क्लास चले ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट को हम वहाँ पर टच कर ले जो भी चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है लगभग सारे पॉइंट्स को हम कवर करते हैं आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 90 टू 95 परसेंट ऑफ एवरी चैप्टर दैट वी आर डूइंग कंप्लीट हो रहा है आपके सामने बराबर हो सकता है कि आप नोट्स आपके पास कुछ अलग हो या आप मॉड्यूल रीड कर बिकॉज हमने मॉड्यूल क्यों लिया मॉड्यूल इज अ बेस ऑफ एवरीथिंग एवरी स्टूडेंट हैज़ अ मॉड्यूल इसलिए हम लोग फास्ट ट्रैक बैच नॉर्मली मॉड्यूल से ही लेते हैं बिकॉज उससे चीजें आसान हो जाती है माइनर की बात करेंगे क्या माइनर पार्टनर बन सकता है 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 तो उसका बेसिक जो बेटा समरी वो नीचे दिया हुआ है। हम सीधा यहां से पढ़ेंगे माइनर के राइट्स क्या और माइनर की लाइबिलिटी क्या सबसे पहले तो ये जानना है माइनर हम एक माइनर का नाम ले लेंगे पिंटू उसकी एज है सोलह साल क्या पिंटू पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था कि माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता माइनर के साथ क्या हुआ हर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है क्या होता है वॉइड एब इनिशियो डोंट वरी हम ये माइनर का पार्ट करेंगे और आज का क्लास एंड करेंगे फिर बाकी की चर्चा कल के लेक्चर में करेंगे तो जस्ट नेक्स्ट फाइव टू सिक्स मिनट्स माइनर का पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड विल एंड द लेक्चर फॉर टूडे डोंट वरी तो मैं बात कर रहा था माइनर की क्या पिंटू जो सोलह साल का है क्या वो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है तो देखिए पार्टनरशिप इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर और हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था माइनर हमारा एलिजिबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ही इज इन एलिजिबल कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज अव एनी शो तो माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप में लेकिन लॉ हमेशा कहता है कि माइनर को हम फायदा देंगे तो क्या माइनर को केवल बेनिफिट्स के लिए प्रॉफिट इंटरेस्ट के लिए क्या हम उसको पार्टनरशिप फॉर्म में ले सकते हैं तो लॉ कहता है जी हाँ आप उसको एज अ माइनर पार्टनर नहीं बनेगा लेकिन बेनिफिट्स के लिए आप उसको पार्टनरशिप फॉर्म में ले सकते हैं तो अगर एक बच्चे को हम हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में बेनिफिट्स के लिए अगर लेते हैं उस केस में उसके क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज है तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके राइट्स की उसके क्या क्या अधिकार है वॉट आर हीज राइट्स सबसे पहला माइनर हैज अ राइट टू हीज अग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ऑफ द फर्म जितना हमने उसको प्रोमिस किया कि भैया हम तुमको हर महीना पचास हजार रुपया प्रॉफिट में से देंगे अगर हमने ऐसा एग्री करा है तो उसका वो राइट है कि उसको पचास हजार मिलना ही चाहिए आगे ही कैन हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म वो हमारा पिन टू अगर चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉपीज को घर लेकर जा सकता है चाहे तो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है कैलकुलेशन कर सकता है पिंटू अगर चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को घर लेके जाएगा इंस्पेक्शन करेगा लॉ बोलता है पिंटू को सवाल पूछने का नहीं पिंटू जो कुछ भी करेगा करने दो क्यों बिकॉज पिंटू माइनर है बच्चे भगवान का रूप होते हैं ये इधर लॉ ने प्रूव कर दिया आगे क्या माइनर किसी दूसरे पार्टनर्स पर केस फाइल कर सकता है क्या तो लॉ कहता है ही कैन सू का मतलब होता है केस फाइल करना ही कैन सू द पार्टनर फॉर अकाउंट्स ऑफ और फॉर पेमेंट ऑफ हिज शेयर बट ओनली वेन सेवरिंग सेवरिंग का मतलब होता है सेपरेटिंग सेवरिंग का मतलब होता है बेटे सेपरेटिंग सेवरिंग का मतलब होता है सेपरेटिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म एंड नो अदरवाइज अगर ये माइनर पिंटू हमारे फर्म को छोड़कर जा रहा है उस समय अगर उसको उसके शेयर का प्रॉफिट नहीं दिया तो वो पार्टनर्स की बजा सकता है पार्टनर पर केस फाइल कर सकता है और लॉ पिंटू की ही मदद करेगा आप जानते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितना इज्जत दिया है पिंटू को आगे ऑन अटेनिंग मेजोरिटी अब ये पिंटू कभी ना कभी तो बड़ा होगा सोलह साल का था जब हमारे फॉर्म में आया था रोज ऑफिस चड्डी पे आया करता था आज ये पिंटू बड़ा हो गया है ना 18 साल के ऊपर हो गया भैया बच्चा तो बड़ा हो गया अब ये क्या इसको पार्टनर हम ले सकते क्या बिकॉज मेजर अगर कोई हो गया तो वो पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है तो लॉ कहता है कि भैया पिंटू तुम डिसाइड कर लो अब तुम बड़े हो गए हो है ना यू आर नाउ बिकमिंग अ मेजर यू हैव बिकम अ मेजर अब तुम डिसाइड करो कि क्या तुमको इस पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है लेकिन इसके लिए लॉ ने कुछ डेडलाइन दिया है लॉ कहता है कि जब ये पिंटू मेजर हुआ जब ये पिंटू मेजर हुआ वहां से लेकर सिक्स मंथ्स, या फिर जब इस पिंटू को ये पता चला मेजर होने के बाद कि मैं किसी फर्म में पार्टनर भी था जब मैं माइनर था इन दोनों में से जो भी लेटर है उसके अंदर अंदर यहां पर उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि फर्म में पार्टनर बने या ना बने कंफ्यूज मत होना लिख कर बताता हूँ तो. टाइमलाइन डेडलाइन कितनी है इमेजिन कीजिए फर्स्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू को पिंटू भैया बड़े हो गए है ना बच्चा नहीं रहा वो बड़ा हो गया यहाँ से लेकर उसको ये डिसाइड करना है कि वो पार्टनर बने या ना बने इसके लिए उसके पास कितना टाइम पीरियड है पहली डेडलाइन क्या है सिक्स सिक्स मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट जैन सिक्स मंथ फ्रॉम फर्स्ट जैन मतलब यहाँ पर ये डेट कौन सी आ रही है थर्टीएथ ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू और वेन द पिंटू कम्स टू नो दैट ही वॉज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म वेन ही वॉज अ माइनॉर या फिर पिंटू को यहां पर पता चलता है लेटर्स से फॉर एग्जाम्पल पिंटू को यहां पर पता चलता है कम्स टू नो

Which ever is later. इस डेट तक पिंटू डिसाइड कर ले कि उसको पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर कंटिन्यू रहना है कि नहीं रहना है एग्जाम्पल लेंगे थर्टी फर्स्ट मे को कि वो किसी फॉर्म में पार्टनर था तो पिंटू के पास कब तक टाइम है थर्टी एथ जून को तो थर्टी एथ जून को पिंटू डिसाइड करेगा तक उसके पास टाइमिंग है वो डिसाइड कर सकता है कि उसको पार्टनर बनना है कि नहीं बनना है अब अगर ये डेट अब अगर ये डेट थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट होती है तीस जून तो सिक्स मंथ खत्म हो गए और उसको पता चला थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट को कि भैया मैं किसी फर्म में पार्टनर था जब मैं बच्चा था जब मैं छोटा बच्चा था तब बड़ी शरारत करता था ये अगर उसको इकतीस अगस्त का पता चला तो फिर कौन सी डेट मानेंगे हम डेडलाइन तो लॉ कहता है इन दैट केस थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट विल बी ट्रीटेड एज द डेट अप टू विच पिंटू शुड डिसाइड वेदर यू वेदर ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर और नॉट आई हैव योर अंडरस्टैंडिंग तो ये डेट का कैलकुलेशन शायद अभी आपके दिमाग में क्लैरिफाई हो गया होगा अब इस डेट तक के पिंटू को डिसाइड करना है कि क्या उसको पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर कंटिन्यू होना है या नहीं होना है अगर पिंटू डिसाइड करता है कि उसको पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू होना है तो फिर कोई बात नहीं जैसा चल रहा है वैसा चलेगा यदि पिंटू ये डिसाइड करता है कि उसको पार्टनरशिप फॉर्म के साथ कंटिन्यू नहीं होना है तो फिर लॉ कहता है पिंटू भैया पब्लिक में जाकर डिंडोरा पीट दो गिव अ पब्लिक नोटिस कि मुझे इस फॉर्म में अब पार्टनर नहीं रहना अभी बच्चे पूछेंगे सर अगर पिंटू ने कुछ नहीं करा ये डेट्स पिंटू को पता थी लेकिन पिंटू चुप रहा पिंटू ने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया या पिंटू ने कोई डिसीजन नहीं लिया फिर उस केस में क्या करेंगे तो लॉ कहता है अगर ऐसा माइनर पार्टनर डिसाइड नहीं कर पाता कि वो पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता और ये समय भी निकल गया फिर इस केस में हम बाय डिफॉल्ट ये मान लेते हैं कि वो पार्टनर रहेगा वो कुछ नहीं बोला मतलब वो पार्टनर रहेगा उसको अगर पार्टनर नहीं रहना है तो उसने बोलना चाहिए और पब्लिक नोटिस देना चाहिए आई होप योर अंडरस्टैंडिंग कि वो डिसीजन कब तक कर सकता है चलिए विल कम बैक टू दिस अगले बेटे पाँच मिनट में क्लास खत्म हो रही है अब बात ये थी बात बेटे राइट्स की अब बात करेंगे लाइबिलिटीज की पार्टनर की माइनर पार्टनर की क्या लाइबिलिटी है उसमें पहला हिस्सा है बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी मतलब पिंटू जब बच्चा था तब उसकी क्या क्या लाइबिलिटी थी तो सबसे पहला पॉइंट है द माइनर की लाइबिलिटी इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म माइनर का लाइबिलिटी उतना ही है जितना उसका फर्म में उसका हिस्सेदारी है और वो लाइबिलिटी भी माइनर की पर्सनल नहीं है उसकी प्रॉपर्टी है तो लाइबिलिटी है अगर माइनर खुद ही उसके पास कुछ नहीं है तो माइनर को तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते हमने देखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये देखिए माइनर हैज नो पर्सनल लाइबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म इनकर ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी आप उसको हाथ नहीं लगा सकते आगे माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बट इफ द फर्म इज डिक्लेयड इंसॉल्वेंट सॉल्व ही शेयर इन द फर्म वेस्ट इन द ऑफिशियल असाइनी ये और आप हम सब जानते हैं कि जब भी कोई पर्सन या कोई फॉर्म को ऑर्गेनाइजेशन अगर डूबती है लिक्विडेशन में जाती है तो एक गवर्नमेंट के साइड से बंदा आता है जो सब कुछ सेटलमेंट करता है उसको बोलते हैं ऑफिशियल असाइनिंग तो भले ही फॉर्म इंसॉल्वेंट हो जाए ये इंसॉल्वेंसी का दाग हम माइनर के दामन पर नहीं लगने देंगे माइनर को कभी इंसॉल्वेंट नहीं बना सकते आप लेकिन ठीक है अगर पार्टनरशिप फॉर्म इंसॉल्वेंसी में जाती है तो माइनर का जो इंटरेस्ट है जो हिस्सा है वो ऑफिशियल असाइनी के पास जाएगा फिर माइनर के पास नहीं रहेगा ठीक है ओके okay. ये था बेटा जब वो बच्चा था उसके क्या लाइबिलिटीज थी अब वो बड़ा हो गया उस केस में उसकी क्या लाइबिलिटी है तो इसमें दो पार्ट आएंगे पहले वो पार्टनर बने रहना चाहता है और दूसरा जब वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो सबसे पहले वैन ही बिकम्स द पार्टनर वो डिसाइड करता है कि मुझे पार्टनर बनना है बड़े होकर उसने बोला कि ठीक है मैं जिम्मेदारी लेने के रे, मैं रेडी हूँ मैं वचन देता हूँ कि मैं इस फर्म का पार्टनर बनूंगा फिर उस केस में कि उसकी क्या लाइबिलिटी है सबसे पहला लॉ कहता है तू जब बच्चा था तूने बड़ी शरारत करी तो उस समय से लेके अब तक जो भी फर्म की एक्ट है उसके लिए तू लायबल है और इसके आगे जो भी कुछ फर्म करेगा उसके लिए भी तू लायबल है ठीक है तो मेजोरिटी जब बच्चा बड़ा पिंटू पिंटू बड़ा हो गया उसने डिसाइड करा कि मैं फॉर्म में पार्टनर बनूंगा तो पिंटू आज से लेके पहले एक से लेके आज तक और आज से लेके आगे सारे एक्स के लिए पिंटू लायबल हो जाएगा बराबर और उसके बाद अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कोई चेंज नहीं आया है तो फिर उस केस में जो उसका हिस्सा पहले था वो हिस्सा आज भी वैसा रहेगा ये था उसका लाइबिलिटीज वेन ही डिसाइड्स टू बिकम अ पार्टनर सब अभी अगला बात अगर माइनर डिसाइड नहीं करता पार्टनर बनने के लिए माइनर बोलता है कि नहीं भैया मेरे को भी इस फर्म के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना उस केस में माइनर की लाइबिलिटी क्या है उस केस में उसकी राइट्स और लाइबिलिटीज ये माइनर की ही रहेंगी जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता जब तक वो जाकर गांव में डिंडोरा नहीं पीटता तब तक उसकी लाइबिलिटीज और राइट्स माइनर की तरह रहेंगे ये था पहला पॉइंट आगे His share shall not be liable for any acts of the firm done after the date of the notice. This is very logical. He shall be entitled to sue the partner for his share of the property and the profits. It may be noted that such minor shall give notice to registrar that he has not or has not become a partner. मतलब एक बार अगर वो partner नहीं बनना उसने decide कराना तो उसके हिस्से का जो कुछ भी हिसाब की ताब बनता है वो उसको वापस मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए बिल्कुल मिलना चाहिए। वो अगर फॉर्म नहीं देगा तो इसके पास राइट है कि वो फॉर्म पर केस ठोक सकता है बिकॉज अब तो वो माइनर नहीं रहा अब तो वो बड़ा हो गया इस हिसाब से तो बेटा यहाँ पर है कुछ माइनर के रिलेटेड हमने यहाँ पर डिस्कशन करा है एंड आई गेस द टाइम फॉर द क्लास टूडे इज अप सो बाकी की चर्चा हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर सेम टाइमिंग मॉर्निंग एट एम टू नाइन एम तब तक के लिए मजे कीजिए बाय बाय यस एवरी वन प्लीज टेल मी कैन यू हेयर मी प्रॉपरली इज द वीडियो विजिबल एम आई विजिबल मेरी आवाज अब तक आ रही है प्लीज टेल मी वंस वर्चुअल क्लासेस में ये सब चीज़ें पहले पूछ लेना जरूरी होता है सो दैट वी कैन स्टार्ट प्रॉपरली ग्रेट 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 सो आज बच्चे धीरे 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 करके ज्वाइन कर रहे हैं चलिए कोई बात नहीं कल हमने जो है ना बेटा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर एक नोट्स पी डी एफ नोट्स फॉरवर्ड करा था that was related to this part that is legal consequences of partner coming in and going out matlab isme aage aapka admission of a partner retirement of a partner death of a partner and insolvency of a partner to iske related notes humne aapko jo hai beta group par de diye the to wahi notes ko main yahan par lekar aata hu and accordingly we can study from that अगर वो आपने अभी तक notes group से नहीं लिए तो ले लेना कल ही मैंने message करा था PDF का छोटा सा दो तीन पेज का notes है सो दीज़ आर दोज नोट्स ये नोट्स सर हमने क्यों थे बिकॉज ये एक रेफरेंस बुक से मैंने लिया हुआ है और जो एक्चुअली बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही बढ़िया है अगर हम फास्ट ट्रैक बैच की बात भी करें या फिर रेगुलर बैच की बात भी करें मैं कुछ पार्ट आपके नोट्स का इस नोट्स में से पढ़ाता हूँ सो इट्स बेटर वी स्टडी फ्राम दीज नोट्स यो ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया है और जो बच्चे दिल्ली साइड से या कहीं और से इस बैच को वर्चुअल मोड में देख रहे बेटा ये सारे नोट्स आपको मेल में पी के तौर पर आ जाएंगे चलिए सो वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने के लिए फॉर्म में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन थर्टी अ पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इधर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एंटर्ड इन टू बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इसका क्या मतलब है जब हमको एक किसी नए पर्सन को अंदर लाना है पार्टनरशिप फॉर्म में अपने एग्जिस्टिंग फॉर्म में एग्जिस्टिंग सारे पर्सन का हमको परमिशन लेना पड़ेगा ये लॉ कहता है या फिर अगर अपने पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा है तो फिर उस तरीके से आप पार्टनर का एडमिशन यहाँ पर कर सकते हो अभी जो इनकमिंग पार्टनर है उसकी क्या क्या लाइबिलिटी होगी वो हमको यहाँ पर देखना है ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ एन इनकमिंग पार्टनर फॉर द फर्म्स एक्ट फर्म की एक्ट के लिए इनकमिंग पार्टनर की यहाँ पर बेटा क्या क्या लाइबिलिटी होने वाली है सबसे पहला ये बोलता है कि जो इनकमिंग पार्टनर है इज लाइबल फॉर द एक्ट्स डन बिफोर इज एडमिशन उसके आने के पहले फर्म ने जो कुछ भी किया उसके लिए इनकमिंग पार्टनर लाइबल होगा क्या तो लॉ कहता है इफ द न्यू फर्म अज्यूम्स द लाइबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म एंड सेकेंड द क्रेडिटर्स एक्सेप्ट द न्यू फर्म एज देयर डेटर एंड डिस्चार्ज द ओल्ड फर्म फ्रॉम इट्स लाइबिलिटी क्यों जब पार्टनर अंदर आता है या बाहर जाता है फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है और पुराना फ फर्म बंद होकर नया फम यहाँ पर आता है तो जो ओल्ड पार्टनर है मतलब जो न्यू पार्टनर है उसको ओल्ड लाइबिलिटी तभी मिलेगी जब उस जब ओल्ड फर्म के जो क्रेडिटर है वो ये कह दे कि ठीक है कल तक आप पांच पार्टनर थे आज आप छह पार्टनर हो गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं वी डू नॉट हैव एक्चुअली सच प्रॉब्लम आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस ये फिर वीडियो अटक गया जस्ट वेट फॉर वन सेकेंड लेट मी सी वीडियो अटक गया था नाउ वी आर बैक सो so, मैं कह रहा था आपको कि पहले पाँच पार्टनर थे अब वो छः पार्टनर हो गए तो अगर पुराने के जो क्रेडिटर है वो ये कहते हैं कि ठीक है पाँच पार्टनर थे छः पार्टनर हो गए हमें कोई दिक्कत नहीं वी आर रेडी टू ट्रीट द न्यू फॉर्म एज अ डेटर तो फिर उस केस में नए पार्टनर को ओल्ड लाइबिलिटीज मिल जाएगी उसके बाद में माइनर की बात करेंगे बेटा माइनर की बात हमने कल ही कर ली थी कि जब माइनर नया पार्टनर बन के आप में आएगा कब आएगा जब वो मेजर हो जाएगा तो उस समय जो जब से वो माइनर था तब से लेकर आज तक और इससे आगे वो फॉर्म्स के सारे एक्ट के लिए पर क्या होगा होगा बेटा अच्छा फॉर्म जो भी करेगा उसके लिए तो ऑब्वियसली वो पार्टनर लाइबल होने ही वाला है तो देखिए इतनी शॉर्ट तरीके से बढ़िया तरीके से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की सारी प्रोविजंस समराइज फॉर्मेट में आपको इसी नोट्स में ठीक है ना लेटर्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्टनर कमिंग इन तो हमने देख लिया पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को बाहर जाने के कितने रास्ते पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को बाहर जाने के कितने रास्ते तो हमारे पास डेरा टोटल फोर वे हाउस सबसे पहला है डेथ रिटायरमेंट इंसॉल्वेंसी एंड एक्सपल्शन डेथ रिटायरमेंट इंसॉल्वेंसी एंड एक्सपल्शन तो सबसे पहले बेटा हम लोग चलेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर पे ये देखो नीचे आपको शायद दिख रहा होगा मैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ना कलर चेंज कर लेता हूँ लेट मी जस्ट चेंज द कलर फॉर्मैट सो दैट यू नो यू कैन अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे इसको येलो कलर ले लेता हूं यू आर ऑन दिस पार्ट बेटा डेथ और ये फिर ये, ये, ये हो रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर जब पार्टनर मर जाएगा तब क्या होता है अनलेस अदरवाइज एग्रीड अनलेस अदरवाइज एग्रीड अ फॉर्म इज डिजोल ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर अगर आपने अपने पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसा लिख रखा है कि कोई पार्टनर टपा गया तो फॉर्म डिजोल्व नहीं होगा तो फॉर्म फिर डिजोल्व नहीं होगा लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा दैन इन दैट केस द फॉर्म गेट्स डिजोल्व ये वाला सेंटेंस बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ये रिपीटेटिव है ये देखते हैं यहाँ पे वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अ फॉर्म इज नॉट डिजोल्व बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर द स्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेथ ऑफ his मतलब अगर कोई पार्टनर टपक गया उसके बाद उसकी जो इस्टेट है मतलब जो प्रॉपर्टी है वो उसके मरने के उपरांत उसके फर्म के एक्ट के लिए वो लायबल नहीं होता हमने पहले भी देखा है कि डेथ के केस में आपको पब्लिक नोटिस यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है क्यों सर आप ढिंडोरा के क्या गांव में हमारा पार्टनर मर गया हमारा पार्टनर मर गया तो लॉ कहता भैया ये बहुत ही दुखद घटना है इसको पब्लिक नोटिस आपको देने की ज़रूरत नहीं है तो पब्लिक नोटिस आपने नहीं दिया तो भी चलेगा जिस दिन वो आदमी टपक गया उसके अगले दिन से फॉर्म जो भी करेगा उसके लिए वो जो मरा हुआ पार्टनर है उसकी स्टेट लायबल यहाँ पर नहीं रहेगी एज सिंपल एज दैट दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज डेथ ऑफ अ पार्टनर सर फिर ये डेथ ऑफ पार्टनर का हिसाब किताब कौन करेगा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका लीगल हेयर हिसाब किताब करेगा राइट right? तो ये था एक तरीका फॉर्म से बाहर जाने का दूसरा क्या तरीका है डेथ देख लिया आप देखेंगे बेटा इंसॉल्वेंसी डेथ के बाद बात करेंगे बेटे इंसॉल्वेंसी क्या पार्टनर दिवालिया हो सकता है बिल्कुल पार्टनर दिवालिया हो सकता है अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है इंसॉल्वेंट कैसे होते बेटे जब आपको कोर्ट डिक्लेयर करता है कि आप इंसॉल्वेंट हो आप खुद ही बोलोगे मैं इंसॉल्वेंट हूं तो नहीं चलेगा कोर्ट मस्ट से दैट योर इंसॉल्वेंट फिर उस केस में क्या होता है अनलेस अदरवाइज एग्रीड द फर्म इज डिजॉल्व ये देखिए द इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉलमेंट ये आर फर्स्ट ही सीजेज टू बी अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडुडिकेशन जब जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया उस दिन से वो पार्टनर इंसॉलमेंट डिक्लेयर होता है अनलेस अदरवाइज एग्रीड द फॉर्म इज डिजॉल्व हिज स्टेट इज नॉट लाइबल फॉर एक्ट डन आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर मतलब जिस दिन वो इंसॉलमेंट हुआ उसके बाद के आगे की फॉर्म की कोई भी एक्ट के लिए वो फॉर्म यहाँ पर मतलब पार्टनर यहाँ पर लाइबल नहीं है और उसके बाद फर्म इज ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर हिज एक्ट डन आफ्टर द डेस्ट ऑफ ऑर्डर और उसके बाद अगर वो पार्टनर ने कुछ ऊंचा नीचा भी किया तो उसके लिए फर्म भी यहाँ पर बेटा लाइबल नहीं होगा तो ये दो बड़े सिंपल तरीके थे डेथ इंसॉल्वेंसी अगला तरीका देखेंगे बेटे द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर विल लुक इन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर सर पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है क्या क्या पार्टनर partner को पार्टनरशिप फर्म से धक्के मारकर बाहर निकाला जा सकता है क्या तो लॉ कहता है कि यस यू कैन एक्सपेल अ पार्टनर लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है एक्सप्रेस पावर मतलब आपके पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा होना चाहिए कि मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर मिलकर किसी पार्टनर को बाहर निकाल सकते हैं ऐसा पावर पार्टनर्स partners को पार्टनरशिप डीड से आना चाहिए मतलब पार्टनरशिप डीड में एक्सपल्शन की पावर होनी चाहिए सेकंड ये मेजोरिटी से होना चाहिए जैसे अगर पाँच पार्टनर है और किसी एक को निकालना है तो मिनिमम तीन लोगों का वोटिंग उसके अगेंस्ट होना चाहिए मतलब मेजोरिटी लोगों ने उसके अगेंस्ट वोटिंग करना चाहिए तब जाके कि आप किसी पार्टनर को यहां पर एक्सपेल कर सकते हो आगे क्या सर गुड फेथ पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए आपने किसी पार्टनर को एक्सपेल किया है तो नहीं चलेगा आप समझे क्या यू हैव टू डू इट इन द गुड फेथ मतलब फॉर्म के हित में आपको करना है कोई पार्टनर किसी पार्टनर का दुश्मन है इसीलिए उसको फॉर्म से बाहर निकाल रहा है तो बेटा ये तो फिर पर्सनल रीजन हो गया नहीं पर्सनल रीज़न नहीं होना चाहिए कोई तो बिजनेस रीज़न जेन्युन रीजन होना चाहिए राइट और अगला क्या है अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड बेटा जगह आप अगर मर्डर करके भी आते हो ना तो आपको जज पूछता है क्या तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है सेम थिंग अप्लाइज यर जो पार्टनर को आप बाहर निकाल रहे हैं ना उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देना चाहिए कि भैया तुझे कुछ अपने सफाई में बोलना है क्या तो बोल ले तो ये भी चीज़ होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर इज इफेक्टिव एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर इज इफेक्टिव तो बेटा ये थे अब तक के तीन तरीके फॉर्म से बाहर जाने के डेथ इंसॉल्वेंसी एक्सपल्शन अब अगला तरीका क्या है पार्टनर खुद बोलता है कि मेरे को फॉर्म से जाना है उसका ना तो डेथ हुआ है ना ही वो इंसॉल्वेंट है ना ही आपने उसको निकाला है वो खुद पार्टनरशिप फॉर्म से बाहर जा रहा है हो सकता है कि उसकी एज हो गई हो या हो सकता है कि उसका पार्टनरशिप में मन नहीं है तो हम उसको बोलेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या बोलेंगे बेटा द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज होती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा लाइबिलिटी की जो पार्टनर partner अपने पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है उसकी लाइबिलिटी क्या है सबसे पहले फॉर फर्म्स एक्ट डन बिफोर हिज रिटायरमेंट उसके रिटायरमेंट से पहले फर्म ने जो भी एक्ट करा है क्या उसके लिए उसके लिए वो रिटायरिंग पार्टनर लायबल होगा ऑब्वियसली द आंसर इज़ यस जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तब तक वो मतलब जो देखो अगर वो फर्स्ट जनवरी को रिटायर हुआ है तो उसके पहले के सारे एक्ट्स के लिए तो वो लायबल है ही रिटायरमेंट अनाउंस करना और पब्लिक नोटिस देना ये दो अलग चीज़ें हैं अंडरस्टैंड एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना और एग्जाम देना ये दो अलग चीज़ें हैं इसी तरह रिटायरमेंट लेना और उसकी पब्लिक नोटिस देना ये दो अलग चीज है आगे क्या बोलता है फॉर द फॉर्म एक्ट डन आफ्टर इज रिटायरमेंट यहां पर हमारा पब्लिक नोटिस का खेल होगा यहां पर क्या होगा बेटे पब्लिक नोटिस की बात आएगी आपने फर्स्ट जनवरी को रिटायरमेंट लिया आपने पंद्रह जनवरी को रिटायरमेंट की पब्लिक नोटिस दिया तो एक जनवरी से लेकर पंद्रह जनवरी तक फॉर्म ने जो कुछ भी किया उसके लिए वो रिटायरिंग पार्टनर लायबल होगा वो जाकर कोर्ट में बोलता है मैं नहीं लेकिन मैंने तो एक तारीख से ऑफिस जाना बंद कर दिया जज क्या बोलेगा अब तो उसमें मैं क्या करूँ तू एक तारीख से घर बैठ गया ये तेरी गलती है तो तूने फिर एक तारीख को पब्लिक नोटिस देना चाहिए था तू एक तारीख से घर नहीं जा रहा है इसकी जानकारी पूरी दुनिया को कब पता चलेगा पंद्रह तारीख को तूने पब्लिक नोटिस दिया ना तो एक तारीख से लेकर पंद्रह तारीख तक फर्म जो कुछ भी करेगा उसके लिए अपना ये जो रिटायरिंग पार्टनर है बेटा वो लाइबल रहेगा आर यू अंडरस्टैंडिंग सो ये हो गई उसकी लाइबिलिटी की चर्चा बेटे बात करेंगे उसका राइट क्या है जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके पास क्या क्या राइट आ जाते हैं लेट मी सी नाउ आई कैन पुल अप सब कलर आउट राइट टू कैरी ऑन द कंपीटिंग बिजनेस अनलेस अदरवाइज एग्रीड अगर आपने देखो आपके पार्टनरशिप फर्म में अगर आपके पार्टनरशिप डीड में अगर आपने ऐसा लिखा है कि जो बंदा हमारे पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाएगा वो कुछ ऐसा ही सेम धंधा नहीं कर सकता तो फिर वो वो रिटायरिंग पार्टनर वैसा धंधा नहीं कर सकता अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो फिर वो जो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो बिल्कुल आपके पार्टनरशिप फर्म के बगल में सेम धंधा चालू कर सकता है ठीक है तो ये आपको डिसाइड करना है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि नहीं लिखा है अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो वो बिल्कुल बाजू की दुकान लेकर सेम धंधा चालू कर सकता है लेकिन इस केस में वो क्या क्या और नहीं कर सकता इसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई फर्स्ट वो फर्म का नाम यूज़ नहीं कर सकता वो खुद को आज भी फर्म का पार्टनर नहीं बता सकता एंड थर्ड वो फर्म के क्लाइंट्स को नहीं भगा सकता अब देखो रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें प्रूफ करना बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन लॉ ने इसको ऐसा बनाया हुआ है तो सबसे पहले क्या करो आप पार्टनरशिप डीड को चेक करो कि क्या पार्टनरशिप डीड में उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा है अगर लगा है तो वो बाजू में दुकान नहीं लगा सकता अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है तो बिल्कुल बगल में आपकी दुकान लगाएगा जब दुकान लगाएगा तो वो ये तीन चीज़ें नहीं कर पाएगा फर्म का नाम नहीं यूज़ कर सकता वो आज भी फर्म का पार्टनर है ऐसी झूठ बात नहीं कर सकता और थर्ड वो फर्म के क्लाइंट्स को यहाँ पर नहीं भगा सकता सर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है बेटा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पार्टनरशिप डीड में क्लॉज डाला जाता है कि द रिटायरिंग पार्टनर विल नॉट बी एबल टू कैरी ऑन द कंपीटिंग बिजनेस ठीक है राइट इन केस ऑफ नो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स अगर जो रिटायरिंग पार्टनर है क्या उसका हिसाब किताब आपको करना पड़ेगा आंसर इज यस जो रिटायरिंग पार्टनर बेटा उसका हिसाब किताब तो आपको करना पड़ेगा जब तक आप उसका हिसाब किताब नहीं करते तब तक फर्म जो भी प्रॉफिट करेगी उसका हिस्सा उसको देना पड़ेगा आप यदि उसका पैसा उसको वापस नहीं देते आपने हिसाब किताब फाइनल कर दिया है तो ब्याज का मीटर चालू होता है फर्म को पार्टनर को ब्याज देना पड़ेगा इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब तक कि उसका पैसा वापस वो नहीं दे देते इंटरेस्ट कितना एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर एन एट द रेट ऑफ बेटा सिक्स परसेंट पर एन बस इतनी ही जो है बेटा यहाँ पर लाइबिलिटीज कह लो रूल्स एंड रेगुलेशन कह लो रिलेटेड टू द रिटायरिंग पार्टनर तो देखो पार्टनर कमिंग इन का हमने देख लिया और बाहर जाने के चार तरीके डेथ इंसॉलवेंसी एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर तो ये बेसिक सारी चीज़ें हमने इन फटाफट इन नोट्स से यहाँ पर देख ली ये नोट्स कहाँ मिलेंगे सर ऑलरेडी आपके ग्रुप पर मैंने कल पी डी एफ डाल दिया था बेटा वहाँ से आप उसको ले सकते हैं नाओ लेटस गो टू द नोट्स अगेन छोटा सा पार्ट इस चैप्टर से बचा हुआ है पार्टनर सेक्शन थर्टी वन से लेकर थर्टी फाइव बेटा पूरा हमने वहीं यहाँ पर कंप्लीट कर लिया आउट गोइंग पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस वाला पार्ट भी यहाँ पर हमने बेटा कंप्लीट कर लिया सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स की भी मैंने आपको बात बता दी कि अगर उसका सेटलमेंट नहीं होता है तो उसको सब्सिक्वेंट प्रॉफिट तब तक आपको देना पड़ सकता है इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है यहाँ से रिवोकेशन रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन द फॉर्म इसका क्या मतलब है मीयर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म ऑपरेट्स टू रिवोक द रिवोकेशन एज टू ऑल फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स सच चेंज में ऑकर बाय द डेथ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर ना वॉट इज दिस गारंटी वॉट इज दिस गारंटी लेटे फॉर एग्जाम्पल फर्म ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया था रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उस रोड कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए फर्म का जो बैंक है उसने फर्म को गारंटी दिया था कि ठीक है हम तुमको पैसा दे देंगे कल चल के इस फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो क्या दिस अमाउंट्स टू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म आंसर इज यस तो जब फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है एक जो पुराना फर्म है वो बंद हो रहा है नया फर्म यहाँ पर चालू हो रहा है तो क्या उस समय वो जो गारंटी बैंक ने दी थी वो कंटिन्यू रहेगी या वो रिवोक हो जाएगी लॉ कहता है कि ये डिपेंड करता है कि आपने पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है और बैंक से आपने क्या बात करी है अगर बैंक बोलता है कि ठीक है नए फर्म को भी हम गारंटी देंगे तो फिर वो गारंटी कंटिन्यू रहेगी लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये जो गारंटी है वो रिवोक हो जाती है और नए फर्म को नया गारंटी लेना पड़ता है लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है सारे बैंकर और सारे पार्टनरशिप फर्म एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं अंडरस्टैंड बिजनेस की दुनिया की सबसे बड़ी टिप मैं आपको दे रहा हूँ प्रोसीजर रूल्स रेगुलेशन इन सबसे ऊपर होती है आपकी पर्सन से पहचान कैसी है अगर आपकी पहचान बहुत अच्छी है अगर आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं तो दुनिया का कोई भी लॉ कोई भी रूल्स कोई भी रेगुलेशन प्रोसीजर आपको नहीं रोक सकती आपका काम आसानी से हो जाएगा तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है ये पार्टनर जो है ना वो बैंकर को जाके मिलते कहते साहब देखो एक नया बंदा हमारा पार्टनर बनाए तो हम नई फर्म बना रहे मतलब जेर इज ऑन पेपर चेंज हो रहा है बाकी हम तो कॉमन ही हैं तो आप ना अपनी गारंटी कंटिन्यू रखो तो बैंकर गारंटी कंटिन्यू रखता है लेकिन नॉर्मली होना क्या चाहिए पुराना फॉर्म बंद हो गया तो गारंटी बंद हो जानी चाहिए नया फॉर्म आएगा तो नया गारंटी आएगा सो तो बस ये लॉ में यहाँ पर लिखा हुआ है सो तो बेटा यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर टू पार्टनरशिप का ख़त्म होता है नाउ वी हेड ऑन टूवर्ड्स द चैप्टर नंबर थ्री एंड दैट इज द लास्ट पार्ट इन योर पार्टनरशिप फॉर्म वाला चैप्टर लास्ट चैप्टर बड़ा ईजी है उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें क्या क्या है फॉर्म के रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है उसके बाद क्या है सर उसके बाद वहाँ पर डिजोल्यूशन का पार्ट दिया हुआ है कि डिजोल्यूशन के बाद क्या होगा डिजोल्यूशन के दौरान क्या होगा वॉट वी कैन से पार्टनर का राइट्स <coughs> लाइबिलिटीज क्या क्या होती है उसके बारे में जानकारी आपको इस थर्ड यूनिट में यहाँ पे दी हुई है सो लेटस मूव ऑन टू द थर्ड यूनिट विच इज़ वेरी सिंपल थर्ड यूनिट में रजिस्ट्रेशन पर मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ वो बिकॉज वो बहुत ही ईजी वाला पार्ट है हम सीधा चलते हैं यहां पर कहां पर नीचे चलते हैं डिजोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म वो पहले कंप्लीट करेंगे और फिर लास्ट में टाइम बच रहा है उसमें हम वो फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे विच इज वेरी इजी डिजोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म क्या पार्टनरशिप फॉर्म को डिजोल्व किया जा सकता है हाँ बिल्कुल किया जा सकता है कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है इंद्रजीत चौहान मुझे क्वेश्चन कर रहा है सर क्वेश्चन एंड आंसर नहीं लेंगे क्या बेटे क्वेश्चन एंड आंसर जो है ना वो पार्ट आप क्या कर सकते हैं अपने एंड पर करो आप बिकॉज अंडरस्टैंड जो छोटी वाली एक्ट है छोटी वाली एक्ट छोटी वाली एक्ट में हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर है वो अपने एंड पर आप कर लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट दिस वर द मेन टू इंपॉर्टेंट एक्ट जहां पर हम बच्चा ज्यादातर कंफ्यूज होता है अभी हम क्या चाह रहे हैं कि आपको ज्यादा समय मिले सेल्फ स्टडी करने के लिए राइट right? कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ गया तो बाकी चीज तो आप आराम से अपने एंड पर कर सकते हो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डेफिनेटली आपके पास हमारा नंबर अवेलेबल है अगर कोई चीज़ कोई पैराग्राफ आपको नहीं समझ में आता है आप उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं हमें व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करना डेफिनेटली एक दिन के अंदर अंदर या मैक्सिमम दो दिन के अंदर अंदर मेरा वॉइस एक्सप्लेनेशन आपको वॉइस नोट के टाइप में आ जाएगा डोंट वरी अबाउट दैट लेट अस कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ़ फॉर्म व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ़ फॉर्म डिजोल्यूशन का मतलब होता है फॉर्म का बंद हो जाना बोरिया बिस्तर उठा लिया और हम चल दिए है ना चल दिए हम सनम वो वाली बात हो गई बराबर दिल तोड़ के चल दिए सारे पार्टनर ने बोला कि चलो पार्टनरशिप डीड को बंद करते हैं अब हमसे काम धंधा यहां पर नहीं होगा तो डिजोल्यूशन किस टाइप से हो सकता है वॉट आर द वेरियस टाइप्स इन विच अ फॉर्म में बी डिजोल्व तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चार्ट आई आई ने दिया है मॉड्यूल में ये चार्ट देखना किस किस टाइप से फॉर्म डिजोल्व हो सकता है तो देर आर टू टाइप्स एक तो कोर्ट आपके बिजनेस को आके बंद करेगा और दूसरा तरीका है आप खुद ही अपने बिजनेस को बंद करते हो तो ये देखिए सबसे पहला है विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड द सेकेंड पार्ट बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट सबसे पहले हम वो करेंगे जो घर की बात है दैट इज़ विदाउट द ऑर्डर ऑफ़ कोर्ट कोर्ट बीच में नहीं आ रहा लेकिन हम बिजनेस को बंद कर रहे ये कौन कौन से केसेस में होगा म्यूचुअल एग्रीमेंट कंपल्सरी रिजोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट एंड फोर्थ इज बाय नोटिस तो सबसे पहले बात करेंगे बेटे म्यूचुअल एग्रीमेंट की म्यूचुअल एग्रीमेंट सबसे आसान तरीका है किसी भी पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का जो आपको यहाँ मिलेगा डिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट सेक्शन फोर्टी पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड करा अब हम साथ में नहीं रह सकते बराबर अब हम जो धंधा कर रहे थे वो हमें नहीं करना है चलो भैया जयराम जी की आज से टाटा बाय बाय तो हमने डिजोल्यूशन डीड बना दिया ट इज द सिंपलेस्ट वे इन विच अ फॉर्म कैन बी डिजोल्व सो वट इज दर वे कंपल्सरी डिजोल्यूशन कंपल्सरी डिजोल्यूशन मतलब आपकी इच्छा नहीं है लेकिन लॉ कंपल्सरी बोलता है कि आपको फॉर्म डिजोल्व करना पड़ेगा ये कब होता है सबसे पहला सारे पार्टनर या कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट बन जाता है इंसॉल्वेंट बन जाता है यहाँ पर एक ना सेंटेंस मेरे को लिखने का है मैं यहाँ पर बोलूंगा अनलेस Otherwise, agreed. ये अभी हमने ऊपर भी देखा था अनलेस अदरवाइज एग्रीड इसका क्या मतलब है सर अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो फॉर्म डिजोल्व नहीं होगा तो उस केस में फॉर्म डिजोल्व नहीं होगा लेकिन पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो फॉर्म यहाँ पर डिजोल्व हो जाएगा ये एक तरीका कंपल्सरी डिजोल्यूशन का आगे लॉ में कुछ ऐसा चेंज आ जाता है कि पार्टनरशिप जो धंधा कर रहा था अब उसके लिए वो करना अनलॉफुल हो गया लेट अस से फॉर एग्जांपल आपका और मेरा बिजनेस था ए के फोर्टी सेवन मैन्युफैक्चर करने का पहले इंडिया में अलाउड था अब मोदी जी आकर कहते भाई और बहनों आज रात बारह बजे से जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट बनाएगा प्राइवेट प्लेयर्स नहीं बना सकते तो अगले दिन से क्या होगा क्या हम अब हम ए के फोर्टी सेवन बना सकते हैं क्या आंसर इज नो तो आपका धंधा करना ही अनलॉफुल हो गया तो इस केस में आपका कंपल्सरी डिजोल्यूशन हो जाएगा तो दूसरा तरीका है कंपल्सरी डिजोल्यूशन सर व्हाट इज द तीसरा तरीका डिजोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन कॉन्टिंजेंसी डिजोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन कॉन्टिंजेंसी क्या क्या कॉन्टिंजेंसी फर्स्ट वेयर द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म आपने पाँच साल की पार्टनरशिप बनाई थी पाँच साल कंप्लीट हो गए फॉर्म डिजोल्व हो जाएगा आप कोई स्पेसिफिक बिजनेस करने के लिए फर्म आपने बनाई थी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आप समझ रहे हो डैम कंस्ट्रक्शन के लिए वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया फॉर्म डिजॉल्व हो जाएगा पार्टनर के डेथ से या पार्टनर के इंसॉल्वेंसी से ये बेटा पार्ट हमने ऑलरेडी ऊपर देखा इन दोनों केस में अपना वो वर्ड कॉमन आएगा क्या अनलेस अदरवाइज एग्रेड या उसका दूसरा नाम क्या है इन एबसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी तो इन केसेस में आपका फॉर्म क्या हो जाएगा बेटे डिजोल्व हो जाएगा ध्यान देना हम क्या पढ़ रहे हैं डिजोल्यूशन कि कौन से केसेस में फॉर्म डिजोल्व हो जाएगा अभी तक कोर्ट बीच में नहीं आया कोर्ट बीच में नहीं आया अभी तक और लास्ट देखिए डिजोल्यूशन ऑफ नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल वॉट इज अ पार्टनरशिप एट विल जब तक है जान हम साथ में रहेंगे मतलब हमारी जब तक इच्छा है पार्टनरशिप करते रहेंगे दैट इज़ पार्टनरशिप एट विल तो जब तुम्हारी इच्छा खत्म हो गई और हमने ये पार्टनरशिप के टाइप में भी देखा था कि जब पार्टनरशिप एट विल है कोई और कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर इस फर्म को बंद करना चाहता है तो वो नोटिस देकर फर्म को बंद कर सकता है वो बोल सकता है कि यार मजा नहीं आ रहा इस फर्म को बंद करो तुम अपने घर मैं अपने घर तो ये भी एक तरीका होता है फर्म को बंद करने का तो हमने चार तरीके देखे विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट कंपल्सरी डिजोल्यूशन हैपनिंग ऑफ सर्टन कॉन्टिंजेंसीज वैसे पॉइंट नंबर दो और पॉइंट नंबर तीन थोड़ा सा मिक्सअप भी करा तो भी चलेगा मतलब लगभग लगभग सिमिलर पॉइंट है वहां पर और जो फोर्थ पॉइंट कौन सा है बेटा डिजोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल अगर पार्टनरशिप एट विल है नोटिस देकर उसको डिजोल्व किया जा सकता है ये तो हो गए अपनी अपनी बातें अब आप जाएंगे विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट दैट इज डिजोल्यूशन बाय द कोर्ट ऑर्डर ये देखो डिजोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट कोर्ट बीच में आएगा कोर्ट बोलेगा भैया ये धंधा बंद करो नहीं करना लीगल नोटिस ठोक के कोर्ट आपके पार्टनरशिप को बंद करेगा ये कौन कौन से केसेस में होगा इसको जाने से पहले एक बात समझ लेना कोर्ट तभी बीच में आएगा जब आप जाके कोर्ट को बुलाओगे देखना कॉलेज में या स्कूल में आप झगड़ा करते हो क्लास टीचर या प्रिंसिपल तभी बीच में आते हैं ना जब आप उनको जाकर इस बात के बारे में जानकारी देते हो या आप कोई कंप्लेंट फाइल करते हो तभी उस पर कोई एक्शन होता है पुलिस स्टेशन में जाकर आप जब हेल्प मांगते हो तभी पुलिस घर पे आती है आप समझ गए ना इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि कोर्ट बीच में आकर आपके फर्म को बंद करे तो पहले कोर्ट में जाके फॉर्म के अगेंस्ट कंप्लेंट करना पड़ेगा तभी कोर्ट बीच में आएगा वरना कोर्ट क्यों आएगा आप जब किसी को बुलाते हो आई I मीन mean, उसको बुलाओगे नहीं तो वो आएगा क्यों आप समझ गए ना मेरी बात मतलब ये जो हम सेक्शन देखने वाले इसमें क्या होगा कि कोई तो एक पार्टनर होगा जो कोर्ट में जाके कंप्लेंट करेगा और बोलेगा सर प्लीज़ आप आइए और हमारे पार्टनरशिप को बंद करो ये धंधा हमसे नहीं हो रहा प्लीज कम एंड स्टॉप दिस पार्टनरशिप तब कोर्ट बीच में आएगा आप समझे कोर्ट अपने से बीच में नहीं आता कोर्ट को बुलाना पड़ता है चलो तो वॉट आर द वेरियस वेज ऑफ क्लोजिंग डाउन द फर्म विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट सबसे पहला आपको दिख रहा है बेटे इंसैनिटी अनसाउंड माइंड आपका जो मेन पार्टनर है जो मैनेजिंग पार्टनर है वो पगला गया वो पगलेट हो गया कुछ तो अजीब हरकतें कर रहा है जिससे firm का नुकसान हो रहा है फिर इस केस में एक पार्टनर क्या करेगा कोर्ट के पास जाएगा और बोलेगा देखो हमारा जो मेन पार्टनर है वो पगला गया है अभी हमें firm पे भरोसा नहीं है अब आप ही बीच में आओ और आप ही firm को बंद करो बच्चों का बच्चों के मन में सवाल आ सकता है कि सर फिर इनके पास एक तरीका है ना कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से फॉर्म को बंद कर ले कोर्ट तक जाने की क्या जरूरत है हाँ म्यूचुअल एग्रीमेंट से बंद करो ना आप, आपके पास वो रास्ता भी अवेलेबल है ना लेकिन लॉ ने आपके लिए दोनों रास्ते खुले रखे आप चाहो तो खुद कर लो या कोर्ट को बुला लो बराबर क्योंकि कभी कभी क्या होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट करने के लिए सबकी आपको र, रजामंदी लेनी पड़ती है लेकिन कई बार लोग हा नहीं बोलते लोग हा नहीं बोलते फिर आपको कोर्ट को बीच में लाना पड़ता है आप समझे ना तो पहला तरीका है कोई पगला गया अनसाउंड माइंड हो गया और उसकी कंप्लेंट आपने कोर्ट में कर दी तो कोर्ट आके आपको बीच में यहां पर फर्म को बंद कर सकता है सेकंड परमानेंट इनकेपैसिटी कोई मेन पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया बेचारे के हाथ पैर टूट गए या वो कोमा में चला गया परमानेंट इनकेपैसिटी हो गई अब वो धंधा नहीं कर सकता और पूरा पार्टनरशिप उसके भरोसे था अब क्या करोगे आप कोई बात नहीं कोर्ट को आके बोलो प्लीज क्लोज डाउन द फॉर्म मिसकंडक्ट कोई पार्टनर झोल झोलझपाटा कर रहा है दो तीन पार्टनर मिलकर फ्रॉड कर रहे है बाकी पार्टनर को लूटा जा रहा है और इतनी खतरनाक सिचुएशन हो गई आपके फर्म में कि कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा है तो म्यूचुअल एग्रीमेंट तो हो ही नहीं सकता फिर उस केस में कोई कंप्लेंट करेगा बोलेगा भैया ये जो दो तीन पार्टनर है ना ये आपस में मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं इट इज़ बेटर मिस्टर कोर्ट यू प्लीज कम एंड क्लोज डाउन द फर्म तो ये भी एक तरीका हो सकता है मिसकंडक्ट का आगे परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट यह है पार्टनर्स के बीच आपस में झगड़े वाली बात कोई पार्टनर कैश की चोरी कर रहा है कोई पार्टनर प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है जिसको परचेस का जिम्मेदारी दिया था वो ठीक से जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है जो कोई अपनी मनमर्जी करे आप इमेजिन करना आपके घर की सिचुएशन आपके पापा मम्मी आपके भाई बहन आप खुद आप लोग एक रूल्स एंड रेगुलेशन में रहते हो ना सुबह सबको टाइम पे उठना है सब ने नाश्ते को साथ में बैठना है सब ने अपने क्लोथ्स प्रॉपर जगह पर फोल्ड करके कर रखनी है ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है अगर ये कोई फॉलो नहीं करता आप अप अपने हिसाब से कपड़े रख रहे हो मम्मी अपने हिसाब से कहीं भी जाकर जो है वो खाना बना रही है किचन के जगह पे हॉल में खाना बन रहा है मम्मी की मर्जी भैया आ कहीं भी जाकर कुछ भी कर रहे हैं आप खुद पढ़ाई कहाँ करनी हो आप बैठकर कर कोई। जो मर्जी अपनी मन मर्जी सब कर रहे हैं तो क्या होगा ये क्या होगा परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट इस केस में पार्टनर्स में आपस में नहीं बन रही तो फिर इस केस में कोई पार्टनर कंप्लेंट फाइल करेगा और क्या बोलेगा कोर्ट आप बीच में आओ यार देखो सब लोग एक दूसरे का बिल्कुल बात नहीं मान रहे आओ और इस पार्टनरशिप फर्म को बंद करो तो ये भी एक तरीका हो सकता है फर्म को बंद करने का आगे क्या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हमने कल के बेटा चैप्टर में देखा था पार्टनर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकता है वेर अ पार्टनर अदर देन दार्टनर ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी और हैज अलाउड हिज शे टू बी चार्ज और सोल्ड बाय द कोर्ट इन द रिकवरी ऑफ एरियज ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यू बाय दार्टनर द कोर्ट में डिजोल्व द फर्म एट द इंस्टेंस ऑफ एनी अदर पार्टनर मतलब कोई लैंड रेवेन्यू का केस है और अगर एक फर्म का कोई इंटरेस्ट एक पार्टनर किसी थर्ड पर्सन वो हमारे केस में कौन था चिंटू उसको ट्रांसफर करते लेकिन बाकी के पार्टनर्स को ये बात पसंद नहीं आई तो वो फर्म को इमीडिएटली डिसॉल्व कर सकते कोर्ट को कंप्लेंट करके कंटिन्यूस परपेचुअल लॉसेस फर्म का इतना लॉस हो रहा है पचास लाख का कैपिटल डाले थे आज एक करोड़ का लाइबिलिटी करके बैठे हुए मतलब पूरा कर्जे में डूबे हुआ फर्म है और बाकी पार्टनर बोल रहे नहीं हम हम ऑप्टिमिस्टिक है भारत माता की जय जय बजरंग हम कुछ ना कुछ करके जो है फर्म को आगे निकाल लेंगे लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा और दिन ब दिन लॉसेस यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं तो कुछ पार्टनर मिलकर कोर्ट के पास जाएंगे बोलेंगे कोर्ट आप आ जाओ ये बिजनेस हमसे नहीं संभल रहा प्लीज़ इसको बंद कर दो तो हो सकता है देखिए कोर्ट को जाके बुलाना कोई आसान बात नहीं होती आपको कोर्ट को एप्लीकेशन करना पड़ेगा उसकी फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी फिर वो आपको तारीख़ पे तारीख देगा ये लंबी प्रोसीजर हो जाती है तो आसान तरीका क्या है अपनी फर्म को बंद करने का म्यूचुअल एग्रीमेंट तो नाइन्टी परसेंट पार्टनरशिप फर्म्स म्यूचुअल एग्रीमेंट पर बंद हो जाती है बहुत ही कुछ वन टू टू परसेंट केसेस ऐसी होती है कि जिधर कोर्ट को बीच में आना पड़ता है कोर्ट को बीच में लाना आसान बात नहीं होती फिर आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस प्रूफ सब कुछ बीच में आ जाता है प्रोसेस लंबा खिंच जाता है आगे जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड क्या क्या ग्राउंड और हो सकते हैं कि जिसमें से आपके फॉर्म को बंद किया जाता है कोर्ट को लगता है कि आपके मैनेजमेंट में डेडलॉक है मतलब सारे मैनेजमेंट एक दूसरे से इकट्टी हो गए मैं मतलब कोई मेजोरिटी से काम ही नहीं कर रहा पाँच लोग है सॉरी टोटल छ से आठ लोग है और एग्जैक्टली सेम वोट हो रहा है फेवर में और अगेंस्ट में तो कोई डिसीजन ही नहीं हो पा रहा तो डेड लॉक हो गया मैनेजमेंट में वेयर द पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स बिटवीन देम कट्टी कट्टी मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूं तू भी जा घर पर मैं भी जा घर पे अरे लेकिन पार्टनरशिप फर्म का नुकसान हो रहा है ना ये वाला भी किस्सा हो सकता है लॉस ऑफ सबस्ट्रैंडम इसका मतलब होता है बेटे यूज कैपिटल लॉस यूज कैपिटल लॉस ये मतलब ये ऊपर की बात पचास लाख का कैपिटल एक करोड़ का आपका लाइबिलिटी खत्म हो गई बात गैमलिंग बाय अ पार्टनर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज आपका कोई एक पार्टनर है जो खुद को अरशद मेहता समझ रहा है और स्टॉक मार्केट में गैमलिंग कर रहा है फर्म का पैसा उधर जा रहा है और उधर से नुकसान आ रहा है तो ऐसा थोड़ी चलेगा भाई इसको बंद कर दो इसको बंद कर दो तो देखिए दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच अ फर्म में बी डिजोल्व बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और मैं फिर आपको बता दूँ कोर्ट अपने से नहीं आता कोर्ट को बुलाना पड़ता है बराबर बुलाती है मगर जाने का नहीं ये कोर्ट के केस में एप्लीकेबल नहीं होता अगर कोई कोर्ट को बुलाएगा तो कोर्ट जरूर उसकी मदद करने जाएगा आपने जॉली एल एल बी वन एंड टू मूवी देखा होगा अगर पूरी इंडिया में गवर्नमेंट आपकी नहीं सुनेगा पुलिस आपकी नहीं सुनेगी कोई डिपार्टमेंट आपका नहीं सुनेगा तो कोर्ट आपकी बात जरूर मानेगा इसलिए जस्टिस का सिस्टम बड़ा अच्छा है इंडिया में तो कोर्ट आकर आपके घर पे वो बात अलग है कि काफी लंबा प्रोसेस होगा लेकिन कोर्ट आपकी बात जरूर मानेगा चलिए लेट अस गो फॉरवर्ड बेटा लेट अस गो टू दिस पार्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजोल्यूशन डिजोल्यूशन पर क्या क्या हो जाएगा जो पार्टनर अभी तक है उनकी लाइबिलिटीज के बारे में क्या कहोगे आप तो चलिए उसकी बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिजोल्यूशन सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ द पार्टनर डन आफ्टर डिजोल्यूशन वाट अबाउट लाइबिलिटी ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्टनर डन आफ्टर डिजोल्यूशन हमने डिजोल्यूशन का डीड फाइल कर दिया क्या हमें पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा सभी पार्टनर्स को मिलकर जी हाँ हमको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा डिजोल्यूशन के बाद से लेकर पब्लिक नोटिस के डेट तक पार्टनर्स जो कुछ भी करते हैं उसके लिए फॉर्म और पार्टनर दोनों लाइबल क्यों सर बिकॉज हमने डिजोल्यूशन डीड फाइल करा है ये सिर्फ हमें पता है दुनिया को पता चला क्या नहीं पता चला तो जब तक दुनिया को पता नहीं चला आपकी फर्म लायबल होगी है ना जो भी एक्ट आप करोगे उसके लिए आपकी फर्म लायबल होगी अगला पॉइंट ये देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे उससे आपको शायद क्लैरिटी हो जाए देखना जरा एक्स एंड वाई हु कैरिड ऑन द बिजनेस इन पार्टनरशिप फॉर सेवरल ईयर्स एग्जीक्यूटेड अ डिजोल्यूशन डीड ऑन फर्स्ट डिसम्बर फ्रॉम दैट डेट बट फेल टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ द डिजोल्यूशन एक डिसम्बर को डिजोल्यूशन का हमने डीड फाइल करा एक्स हमने मतलब एक्स और वाई ने और उन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया बीस तारीख को एक्स ने कांड कर दिया ऑन बीस दिसंबर एक्स बोरोड इन द फर्म्स नेम अ सर्टन सम ऑफ मनी फ्रॉम आर हु वाज इग्नोरेंट ऑफ द रिजोल्यूशन एक्स ने मेरे से पैसा लिया रचेंद्र सर से पैसा लिया और राजेंद्र सर को पता नहीं था कि एक्स और वाई का फॉर्म डिजॉल्व हो चुका है अब इस केस में क्या फॉर्म लाएबल है मुझे रिपेमेंट करने के लिए देखिए इन सच अ केस वाई ऑल्सो वुड बी लाएबल फॉर दी अमाउंट बिकॉज नो पब्लिक नोटिस वॉज गिवन नो पब्लिक नोटिस वॉज गिवन लेकिन ये लाइबिलिटी इन तीन केसेस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता दिस रूल डज नॉट अप्लाइज टू अ डिसीज पार्टनर इंसॉलमेंट पार्टनर और अ डॉर्मन पार्टनर डिसीज पार्टनर के केस में तो वैसे पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं इंसॉलमेंट पार्टनर के केस में भी पब्लिक नोटिस की ज़रूरत नहीं और जो पार्टनर डॉर्मेंट है हमने टाइप ऑफ पार्टनर में देखा था उसके रहने ना रहने से फर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता तो इन केसेस में पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है लेकिन बाकी सारे केसेस में पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा वरना ये एग्जाम्पल का लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा तो सिंपल आपने क्या याद रखना है फर्म डिजोल्व हो गया डिजोल्यूशन का डीड हमने फाइल करा पब्लिक नोटिस जब तक नहीं दी तब तक कुछ भी एक्ट हमने फर्म के नाम पे किया तो पार्टनर और फर्म दोनों लायबल है बहुत ही सिंपल आगे राइट ऑफ अ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिजोल्यूशन आपको क्या लगता है डिजोल्यूशन डीड हमने फाइल करा उसी दिन फॉर्म बंद हो जाता है क्या नहीं बेटा आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा अगर आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा ओ भैया हमारी फॉर्म इधर बंद हो गई चलो तुम भी अपनी एंट्री से फॉर्म का नाम डिलीट करो डिजोल्यूशन <coughs> डीड बनाना पड़ेगा वकील से जाके नोटरी कराना पड़ेगा सभी का साइन लेना पड़ेगा अब समझ रहे हो मतलब प्रोसीजर लंबी है तो रिजोल्यूशन के बाद फर्म को वाउंड अप करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करनी है वो एक्टिविटी करने का राइट किसके पास होता है पार्टनर के पास होता है आगे कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द परपज ऑफ वाइंडिंग अप वाइंडिंग अप करना मतलब क्या होता है बेसिकली आपके फर्म की जो बैलेंस शीट है बेटा उसको आपको जीरो करना पड़ेगा यहाँ पर आपकी कुछ एसेट्स है यहाँ पर आपकी कुछ लाइबिलिटी है एसेट्स को बेचकर पैसा लाना पड़ेगा और लाइबिलिटीज़ को रिपेमेंट करना पड़ेगा तो ये करने का जो राइट right है वो किसके पास होता है पार्टनर्स के पास होता है सर क्या ये उनके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आता है ये yes. डिजोल्यूशन के लिए जो कुछ भी आप करते हो ये पार्टनर के एम्प्लॉयड अथॉरिटी में ही आता है राइट right? सो so, ये थी कुछ बातें अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मोड ऑफ सेटलमेंट मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंट इसको हाईलाइट मार्क कर लेना <coughs> एग्जाम में कभी कभी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है हाउ डज अ पार्टनरशिप इज बिंग सेटल्ड अकाउंट्स को कैसे सेटल करोगे मतलब बेसिकली ये जो आपकी बैलेंस शीट बनती है ना इसको जीरो कैसे करोगे ये आपके पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है यहाँ पर आपकी लाइबिलिटीज है यहां पर आपकी एसेट्स है और ये आपकी बैलेंस शीट है बराबर ये एसेट्स है और यह आपकी लाइबिलिटीज है अब जब आप फर्म को बंद कर रहे हो ना इसका यही मतलब है कि हो सकता है कि फर्म का बिजनेस नहीं चल रहा है जिसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है बहुत अच्छा कस्टमर बेस है वो क्यों फर्म को बंद करेगा अब फर्म को बंद कर रहे हो मतलब ही कुछ गड़बड़ है आपके लॉसेस हो रहे हैं आपका धंधा नहीं चल रहा यही सब चीज़ें हैं ना तो बैलेंस शीट को जीरो कैसे करोगे आप इसकी प्रोसेस आपको सेक्शन फोर्टी एट में दिया हुआ है तो सबसे पहला रूल क्या बोलता है सबसे पहला रूल क्या बोलता है मैं इसको रीड करता तो हूँ, फिर आपको न्यूमरिकली एक्सप्लेन करूँगा लॉसेस इंक्लूडिंग डिफिशियंसीज ऑफ़ कैपिटल देखिए डिफिशेंसीज ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस नॉर्मली कैपिटल को कौन सा बैलेंस होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस कैपिटल में डिफिशियंसी है मतलब पार्टनर के कैपिटल को डेबिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस है मतलब आपके पार्टनर का कैपिटल यहाँ पर शो हो रहा है अगर आपके पार्टनर का कैपिटल यहाँ पर शो हो रहा है तो उसको बोलेंगे डिफिशियंसी इन कैपिटल और यहाँ पे होता है ना मिसिलीनियस एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ आपके एक्यूमिलेटेड लॉसेस जो होते हैं वो लॉसेस आपके यहाँ पर होते हैं तो उसको बोलते हैं लॉसेस या कह लो अक्यूमिलेटेड लॉसेस तो ये बात हो रही है लॉसेस इंक्लूडिंग डिफिशेंसीज ऑफ कैपिटल शैल बी फर्स्ट पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल एंड लास्टली इफ नेसेसरी बाय पार्टनर इंडिविजुअली इन प्रपोर्शन इन विच दे आर एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट्स इसका क्या मतलब है सर सिंपल भाषा में हम सबसे पहले क्या करेंगे इधर का जो लॉस है ना इसको ज़ीरो करेंगे इसको ज़ीरो कैसे करेंगे इस लॉस को पार्टनर के सभी कैपिटल में जाके डेबिट डेबिट एंट्रीज करेंगे अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स करा हुआ तो सबसे पहले ये लॉस को हम ज़ीरो करेंगे बराबर इसको सॉरी वो जो मैंने आपको बताया वो स्टेप नंबर टू है स्टेप नंबर वन क्या है इस एक्यूमिलेटेड लॉस को ज़ीरो करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपके करंट ईयर में प्रॉफिट्स है तो सारे प्रॉफिट्स पहले सारे लॉसेस से सेट ऑफ करो अगर फिर भी इसमें बैलेंस बचता है फिर सेकेंड स्टेप है इसका जो बैलेंस है जो बच गया वो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट लगा दो फिर तीसरा ये करने के बाद यदि और बैलेंस बचता है मतलब पार्टनर के कैपिटल को अभी डेबिट बैलेंस आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा पार्टनर को बोलेंगे भैया चल तेरे पार्टनर के कैपिटल को डेबिट बैलेंस है चल अभी उतना पैसा फॉर्म में लेके आ पार्टनर के कैपिटल को अगर क्रेडिट बैलेंस है देखो मैं जो बता रहा हूँ बेटा ये अब लॉ नहीं रहा ये अकाउंट्स की बात हो गई अगर पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसको पैसा देंगे पार्टनर के कैपिटल को डेबिट बैलेंस है तो हम उससे पैसा लेंगे ये कोई नई बात नहीं है आराम से ये ऑलरेडी अपने, अपने अकाउंट्स में पढ़ रखा है तो मैं कुछ नया नहीं बता रहा बस लॉ में क्या लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ मतलब आप ऑलरेडी एंट्रीज तो कर चुके हो लेकिन लॉ उसके पीछे ये है ये आपको आज पता चल रहा है बराबर मतलब फास्ट ट्रैक बैच में आप वो पहले आप तो पता ही था तो क्या क्या करोगे सबसे पहले प्रॉफिट से निकालोगे उसके बाद पार्टनर के कैपिटल को डेबिट लगाओगे और फिर उसके बाद में अगर किसी पार्टनर का कैपिटल में डेबिट बैलेंस आता है फिर हम उससे पैसा मंगाएंगे फिर हम क्या करेंगे उससे पैसा मंगाएंगे ये था सबसे पहला तरीका लॉसेस को सेट ऑफ करने का अब उसके बाद क्या अगर एक बार आपका लॉस सेट ऑफ हो गया अभी आपको क्या करना पड़ेगा सौ सारी एसेट्स को बेचना चालू करो फिक्स एसेट्स को बेचो अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करिए तो इन्वेस्टमेंट का पैसा निकाल लो बैंक अकाउंट में पैसा रखा है तो पैसा निकाल लो और कैश तो आपके पास था मतलब एसेट्स बेच के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल के पूरा कैश आपके पास टेबल पर जमा हो जाएगा अब इस कैश का लाइबिलिटी में रिपेमेंट यूज़ करो लेकिन ये रिपेमेंट करते वक्त आपको सीक्वेंस मेंटेन करनी है पहले पैसा किसको दोगे सो सबसे पहला हम पैसा देंगे थर्ड पार्टीज को तो देखो सबसे पहला आप ये अभी जो पैसा आपने जमा किया ना एसेट्स को बेच के तो सबसे पहला उसको यूज़ करोगे थर्ड पार्टीज़ को उनका पैसा वापस देने में उसके बाद क्या फिर पार्टनर ने अगर कुछ एडवांस दिया है पार्टनर ने अगर कुछ लोन दिया है फिर उस पार्टनर को उसका लोन का पैसा वापस दिया जाएगा जिस पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है उसको उसका पैसा वापस दिया जाएगा और लास्ट में अगर ये सब कुछ रिपेमेंट करके थोड़े अगर 100-200 रुपए आपके पास अगर बच जाते जो कि इम्पॉसिबल है बचना लेकिन लॉ कहता है कि अगर आपके पास ये बंटवारा करके थोड़ा बहुत पैसा बच गया 100 200 रुपए बच गया तो फिर वो पैसा क्या करोगे आप वो पैसा सभी पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा जाएगा वो पैसा सभी पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा जाएगा तो देखो सिंपल सेटलमेंट कैसे करेंगे सबसे पहले बैलेंस शीट में जो डेबिट बैलेंस है लॉसेस का हम उसको सेट ऑफ़ करेंगे उसको कैसे ज़ीरो करेंगे सेट ऑफ़ करना मतलब ज़ीरो करना सबसे पहले अगर कुछ प्रॉफिट है हमारे पास उस प्रॉफिट के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करो फिर भी इधर बैलेंस बच गया तो इस्कोटा के पार्टनर कैपिटल में डेबिट मारो फिर उसके बाद अगर पार्टनर के कैपिटल में डेबिट बैलेंस है तो उनसे पैसा मंगाएंगे ये पहली स्टेप दूसरी स्टेप क्या अब जो भी एसेट्स है सबको बेचना चालू करो लैंड बिल्डिंग बेचो गाड़ी बेचो इन्वेस्टमेंट्स बेचो बैंक अकाउंट से पैसा निकालो और पूरी कैश टेबल पर रख दो कैश जब आ गई फिर उसके बाद क्या करना है ये नहीं करना है ये लाइबिलिटी का रीपेमेंट की बात बच्चे सोच रहे हैं नहीं बेटे लाइबिलिटी की रीपेमेंट की बात हो रही है सबसे पहले थर्ड पार्टी को रिपेमेंट करोगे फिर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको रिपेमेंट करोगे फिर उसके बाद अगर किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल में तो उसको उसका पैसा वापस दोगे और लास्ट में अगर कुछ बच जाता है तो मिल बांट कर खाएंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस कैश को बांटा जाएगा एंड दिस इज हाउ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स हैपेंस इन केस ऑफ पार्टनरशिप और वी कैन से ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अब बेटे हम चैप्टर के लास्ट पार्ट पर आ रहे हैं दट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप सबसे पहले क्या पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है तो लॉ कहता है कि पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है ये ऑप्शनल है लेकिन यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ आज के केस में अगर महाराष्ट्र में आपको फर्म को रजिस्ट्रे रजिस्टर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूं मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूं रजिस्टर पार्टनरशिप फॉर्म महा ऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन इस वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाकर आप अपने फर्म को रजिस्टर करोगे राइट सर रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोसीजर कब पता चलेगा आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा जैसे फेसबुक पे अकाउंट बनाते ना इस वेबसाइट पे जाकर आप अकाउंट बनाओगे और फॉर्म्स को फिलअप करोगे बेटा पहले के ज़माने में वो मैनुअल था आपको बाय कुरियर बाय पोस्ट आपको भेजना पड़ता था उधर जाके वो डॉक्यूमेंट्स चेक होते थे कुछ क्वेरी निकलती थी तो आपको लेटर आता था फिर वापस डॉक्यूमेंट रेडी करके आप उनको वापस भेजते थे आज के ज़माने में यही चीज अब डिजिटल हो गई है आप अकाउंट बनाओगे फॉर्म फिलअप करोगे फॉर्म्स को अपलोड करोगे और उसके बाद क्या होगा बेटा वहाँ पर ये फॉर्म्स अपलोड जैसे कर दोगे वहाँ पर जो रजिस्ट्रार बैठा हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा यदि उसको अच्छा लगता है तो आपके फॉर्म को रजिस्टर कर देगा रजिस्टर करेगा मतलब क्या उसके कंप्यूटर के डेटाबेस में आपका नाम आ जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाएगा सिंपली इस तरीके से फॉर्म आज के ज़माने में रजिस्टर होती है सर अगर कोई क्वेरी आती है कोई डॉक्यूमेंट हमने गलत भेज दिया तो कोई बात नहीं वो रजिस्टर आपको मेल करेगा उस मेल को आप रिप्लाई करोगे और जो जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो आप उसको भेजोगे वापस तो एक दो बार ये दिक्कत होती है लेकिन आपके अगर डॉक्यूमेंट्स सही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से अब आप जो पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करना चाहते हैं सर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है सबसे पहला है पार्टनरशिप डीड सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा पार्टनरशिप डीड वो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है फर्म का नेम क्या है फर्म का बिजनेस का क्या बिजनेस करने वाला है कौन कौन इसमें पार्टनर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपका कितना है और क्या क्या आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कितना है सारे पार्टनर की डिटेल उनका नेम पैन नंबर केवाईसी में आपका आधार नंबर एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब कुछ आपको डालना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग अभी आप, आपके पार्टनरशिप फॉर्म के नाम में क्या इंक्लूड नहीं कर सकते ये देखिए अब फॉर्म नेम शाल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राउन एम्पर एम्प्रेस एम्पायर इम्पीरियल किंग क्वीन रॉयल और वर्ड्स एक्सप्रेसिंग और इंप्लाइंग सैंक्शन अप्रूवल और पैट्रोनेज ऑफ द गवर्नमेंट ऐसे भारी भरकम वर्ड्स आप यहां पर यूज नहीं कर सकते कुछ बच्चे का कुछ क्वेरी आया है लेट मी जस्ट सी इंद्रजीत बेटा कौन सा पॉइंट रह गया थ्री पॉइंट फिफ्टी फाइव अच्छा इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं देख लेता हूँ ठीक है सो so, इस तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हो फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी कितनी लगेगी लेट रजिस्ट्रेशन की लॉ कहता है कि आपको कब तक रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए फॉर्म का विद इन वन ईयर ऑफ फॉर्मेशन विद इन वन ईयर ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मेशन होने के एक साल के अंदर अंदर तक आप अगर चाहो तो फॉर्म को रजिस्टर कर सकते हो अगर आपको फॉर्म आपने बना ली फॉर्म चार साल हो गए फॉर्म को आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया लेकिन आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या रजिस्ट्रेशन हो जाएगा क्या लॉ कहता है, हो जाएगा लेकिन तुमको लेट फीस लगेगी सर लेट फ़ी कितनी है रुपीज़ हंड्रेड पर ईयर ज़्यादा नहीं है देखिए वन हंड्रेड रुपीज़ पर ईयर ऑफ डिले और पार्ट देयर ऑफ मतलब हर साल आपने कब तक उसको रजिस्टर कर लेना चाहिए था फर्म स्टार्ट होने के एक साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए था आपको चार से पाँच साल हो गए पाँच साल हो गए फर्म को आपने रजिस्टर नहीं करा तो पाँच सौ रुपये की फीस आपको लग जाएगी हंड्रेड रुपीज़ पर ईयर जो मेरे हिसाब से बहुत ही नेग्लिजिबल है थोड़ा सा फ्लेक्सीबल है चलिए ये था लेट रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में आगे बात करेंगे सर अगर फॉर्म को हमने रजिस्टर नहीं करा तो क्या होगा क्या हो जाएगा फर्म को हमने नहीं, नहीं रजिस्टर करा तो क्या होगा कुछ कॉन्सिक्वेंस है नॉन रजिस्ट्रेशन के व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सबसे पहले फर्म किसी दूसरे थर्ड पार्टी पर केस फाइल नहीं कर सकता सर ऐसा क्यों है देखो अंडरस्टैंड लॉ के एंगल से सोचो लॉ की नज़र में वही बंदा केस फाइल कर सकता है जो लॉ की नज़र में उसकी कोई एग्जिस्टेंस है बराबर पार्टनरशिप फॉर्म आपने बनाया लेकिन क्या आपने उसको रजिस्टर करा था क्या नहीं करा था मतलब लॉ की नज़र में तो आपका एग्जिस्टेंस आया ही नहीं और जो बंदा है ही नहीं उसको कैसे अलाउ कर सकते हो आप कोर्ट में केस फाइल करने के लिए इसलिए लॉजिकली अगर आपका फॉर्म रजिस्टर नहीं है तो आपके फर्म के नाम पर आप किसी थर्ड पर्सन पर केस फाइल नहीं कर सकते ये पहला दिक्कत आपको होगा अगला नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ ऑफ क्लेम ये जरा थोड़ा सा अलग पॉइंट है इसको ध्यान देना इफ एन एक्शन इज ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय थर्ड पार्टी कोई थर्ड पार्टी ने फर्म के अगेंस्ट कोई क्लेम लाया है देन नीदर द फर्म नॉर द पार्टनर कैन क्लेम एनी सेट ऑफ इफ़ द सूट बी वैल्यूड फॉर मोर देन रुपीज हंड्रेड और परस्यू अदर प्रोसीडिंग्स टू एनफोर्स द राइट अराइजिंग फ्राम एनी कॉन्ट्रैक्ट मतलब सौ रुपये के ऊपर अगर फॉर्म पर लाइबिलिटी आती है और मतलब इमेजिन करो कि फॉर्म के दो केसेस चल रहे केस ए एंड केस बी केस ए में फॉर्म पर लाइबिलिटी आती है हज़ार करोड़ रुपये की हज़ार करोड़ मैंने ज़्यादा ही बोल दिया लेटेस्ट ए फॉर एग्जाम्पल पाँच लाख रुपये की और केस बी फॉर्म पे चालू है जहाँ पर फॉर्म केस जीतने वाली है तो क्या ये जो जीती हुई अमाउंट है वो उसके लाइबिलिटी से वो सेट ऑफ़ कर सकती है क्या लॉ कहता है अगर फॉर्म रजिस्टर नहीं है उस केस में और अगर आप जहाँ पर आपके लाइबिलिटी आई है वो सौ रुपये से ऊपर है तो फॉर्म यहाँ पर सेट ऑफ़ का बेनिफिट नहीं ले सकती अगर आप रजिस्टर थे तो डायरेक्टली सेट ऑफ़ कर सकते थे रजिस्टर नहीं कराना पनिशमेंट की तरह है ये आगे देखो एग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर ऑफ द फर्म पप्पू पिंकी चिंटू राजू इन्होंने पार्टनरशिप फ़र्म बनाई अफलातून एंड कंपनी फ़र्म रजिस्टर नहीं करी पप्पू और पिंकी का रोज़ झगड़ा हो रहा है और जो पिंकी है वो बहुत मारती है पप्पू को तो पप्पू बड़ा दुखी है एग्रीव्ड पार्टी है क्या वो पिंकी पर केस फाइल कर सकता है कि ये मेरे को फॉर्म में काम नहीं करने देती ये रोज़ मेरे को बहुत मारती है ये मेरे को प्रॉफ़िट में हिस्सा नहीं लेने देती ये मेरे को फॉर्म में डिसीजन नहीं लेने देती ये ये, ये ऐसे झगड़े क्या आप कोर्ट में कर सकते हो क्या तो लॉ कहता है कि विक्टिम जो पप्पू है वो पिंकी पर केस फाइल नहीं कर सकता अगर इनकी अफलतुनैन कंपनी रजिस्टर नहीं है ये इसका मतलब है तो आपस के झगड़े आप खुद को लाठी मारो कुछ भी करो कोर्ट क्या बोलेगा सॉरी भैया हम आपकी मदद नहीं कर सकते घर के झगड़े घर पे रखो अगर आपको हमारे पास आना है तो पहले फॉर्म को रजिस्टर करो तभी हम आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन करेंगे वरना घर जाओ ऐसा कौन बोलेगा बेटा मैं नहीं बोल रहा हूँ कोर्ट बोलेगा अच्छा फॉर्म किसी थर्ड पर्सन पर केस फाइल नहीं कर सकता लेकिन क्या थर्ड पर्सन फॉर्म पर केस फाइल कर सकता है क्या हाँ वो कर सकता है उसको थोड़ी रोक है रोक तो फॉर्म पे है वो तो फॉर्म पे कर सकता है ना तो थर्ड पर्सन कैन सू द फॉर्म ठीक है अब आपके लिए बेटा ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्म रजिस्टर हो या ना हो इसका इन बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी बात द राइट ऑफ थर्ड पार्टीज टू सू द फॉर्म फॉर एनी पार्टनर हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया द राइट ऑफ पार्टनर टू सू फॉर डिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म ऑफ फॉर सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द डिजोल्व फर्म और फॉर रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिजॉल्व फर्म मतलब आपकी फर्म रजिस्टर है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिजोल्यूशन के टाइम पर आप कोर्ट की मदद ले सकते हो अभी हमने ऊपर देखा ना कौन कौन से केसेस में कोर्ट फर्म को बंद कर सकता है इनसॉन्ड माइंड अनसॉन्ड माइंड परमानेंट इनकेपेसिटी मिसकंडक्ट देखा ना उस केस में कोर्ट आपकी मदद करेगा आप रजिस्टर हो या नहीं हो दोनों ही केसेस में आपकी मदद करेगा द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर ऑफ द कोर्ट टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया इमेजिन करो विजय मल्या विजय मल्या हमारा पार्टनर है आ, नहीं है एग्जाम्पल ले लो हमारा पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके केस में और हमारी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर नहीं है तो उसके ऑफिशियल असाइनी को क्या राइट right मिलेगा फॉर्म्स के अगेंस्ट यस yes, उसको राइट right मिलेगा द राइट टू सू और क्लेम सेट ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ द दूट डज नॉट एक्सेड हंड्रेड ये तो बहुत ही पानचे बात है मतलब एकदम ग्राउंड लेवल है सौ रुपए का क्लेम के नीचे के लिए आप क्या झगड़ा करोगे सौ रुपए का सेटलमेंट है क्या झगड़ा करोगे आप उसके लिए कोर्ट जाओगे क्या आप तो सौ रुपए दे के मामले को वही रफा दफा करोगे बट ठीक है लॉ ने बोला है तो हमको देखना पड़ेगा और लास्ट द राइट टू सूट प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हेयर्स ऑफ द डिसीज़ पार्टनर ऑफ अ फर्म फॉर अकाउंट्स ऑफ द फॉर्म टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म सिंपल बात है अगर कोई फॉर्म का एक पार्टनर भगवान को प्यारा हो गया भगवान के घर चला गया जन्नत चला गया टपक गया फॉर्म रजिस्टर नहीं है उसका लीगल हेयर उसका बच्चा बीवी वॉट एवर द केस में भी दे बिकम द लीगल रिप्रजेंटेटिव अब वो फॉर्म के पास जाते और बोलते कि वो तो चले गए उनके अकाउंट्स का जो भी हिसाब किताब है वो आप हमें दे दीजिए उनके हिस्से का प्रॉफिट दे दीजिए उनके हिस्से की फॉर्म की प्रॉपर्टी भी हमें दे दीजिए और अब अगर इस केस में वो फॉर्म मना करता है तो क्या ये लीगल एयर्स उस फॉर्म पर केस फाइल कर सकते हैं क्या तो लॉ कहता है ऐसा हो सकता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फर्म रजिस्टर है या नहीं है ठीक है तो दीज आर द फाइव थिंग्स इन विच इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर द फर्म इज़ रजिस्टर्ड और द फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड यहाँ पर इंद्रजीत बच्चा कुछ बता रहा था थ्री पॉइंट फाइव फाइव पे कुछ रह गया था ऐसा इसका पॉइंट था लेट मी जस्ट सी कि क्या रह गया है बेटे कौन सा पॉइंट रह गया हाँ ये वाला पॉइंट रह गया ठीक है वेरी गुड इंद्रजीत थैंक यू फॉर मेकिंग मी रिमेंबर दिस आज का आपका लास्ट पॉइंट है बेटे पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड सेपरेट डेट्स कभी कभी जब फर्म दिवालिया हो जाता है या फिर पार्टनर भी दिवालिया हो जाता है तो देखो पार्टनर की दो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है एक होती है उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी और एक होती है उसकी फर्म की जॉइंट प्रॉपर्टी बराबर वेयर देर आर जॉइंट डेट्स ड्यू फ्रॉम द फर्म एंड ऑल्सो सेपरेट डेट्स ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर उस केस में क्या होगा द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म मतलब फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो पहले फर्म की लाइबिलिटी के रिपेमेंट में काम में आएगा और यदि फिर भी पैसा बच गया तो फिर वो पैसा पार्टनर के लाइबिलिटी पर्सनल लाइबिलिटी रिपेमेंट में काम में आएगा उसी तरह पार्टनर का पार्टनर का सोचो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी पहले पार्टनर के लाइबिलिटी रिपेमेंट करने में काम में आएगी और वो कुछ बच गया तो फिर वही प्रॉपर्टी फर्म के रिपेमेंट करने के काम में आएगी आर यू अंडरस्टैंडिंग सर हमको ये नहीं समझा ये ज्वाइंट डेट्स का क्या मतलब है बेटे ज्वाइंट डेट का मतलब है ज्वाइंट लाइबिलिटी जॉइंट डेट का मतलब होता है ज्वाइंट लाइबिलिटी पार्टनर है लेटर से फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फॉर्म uh, का पार्टनर हूँ मैंने यहाँ पर सौ करोड़ रुपए का लोन लिया इस सौ करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए मैंने बैंक को दो चीज़ें मैंने बैंक को गारंटी दिया एक मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी और दूसरा मैंने फर्म की कुछ प्रॉपर्टी भी एज अ गारंटी दी है सभी पार्टनर का मैंने यहाँ पर कंसेंट लिया है तो मैंने फर्म की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर क्या करिए बैंक को गिरवी रखी है मेरे पर्सनल लोन के लिए तो इस केस में ये हो गया जॉइंट डेट हो गई बराबर तो जो सौ करोड़ का लोन है ये मुझे रिपेमेंट करना है लेकिन इसके लिए मैंने दो प्रॉपर्टी गिरवी रखी मेरी पर्सनल और फर्म की भी तो इसको बोलते हैं बेटे जॉइंट डेट्स तो इस केस में उस लोन रिपेमेंट के लिए अब पहले प्रॉपर्टी किसकी यूज़ होगी पहले पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज होगी फिर फर्म क्या करेगा वो प्रॉपर्टी जो उसने गिरवी रखी है फर्म की वो फर्म अपनी प्रॉपर्टी पहले अपनी लाइबिलिटी रिपेमेंट में यूज़ करेगा और फिर अगर कुछ बचता है तो फिर वो उस सौ करोड़ के लोन को रिपेमेंट करने में मदद करेगा इसको बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी राइट तो बेटा इसी तरीके से आपका जो पार्टनरशिप का एक्ट है वो पूरी तरीके से ख़त्म होता है ए प्रॉपरली कंप्लीटेड यूनिट नंबर वन टू एंड थ्री आई गेस द टाइम इज अप फॉर द डे टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम बेटे क्या बोल रहे हो आप इंद्रजीत चौहान बोल रहा है ए बी सी डी के स्टडी है जरा ट्रिकी है रेगुलर बैच में बोला था तो बेटे आपने रेगुलर बैच अटेंड करी थी अंडरस्टैंड फास्ट ट्रैक बैच में जो प्रोविजन है बेटा वो हो सकती है कवर इंद्रजीत इफ यू हैव अटेंडेड द रेगुलर बैच देन इन दैट केस यू आपको ऑलरेडी वो हो चुका है बट वेन यू आर सिटिंग इन अ फास्ट ट्रैक बैच फास्ट ट्रैक बैच में बेटे इंपॉर्टेंट चीजों को हम टच टच कर देते हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस इस बात को ध्यान रखना इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी यू कैन डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन आप उसका फोटो खींचकर हमें भेज सकते हैं डेफिनेटली आपका जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व कर देंगे अब आपका अगला स्केड्यूल कैसा होगा प्लीज आंसर सम ऑफ माई क्वेश्चन ऑन संडे आर यू हैविंग एनी क्लासेस संडे के दिन कोई क्लासेस है आपकी हा या ना ऑन दिस कमिंग संडे आर यू हैविंग एनी क्लासेस वैष्णवी बोल रही है नहीं है इंद्रजीत बोल रहा है कि शायद मैथ्स हो सकता है और शेरू बोल रहा है कि सर पता नहीं है चलो ठीक है कोई बात नहीं वी आर मीटिंग टुमारो और हम कल डिसाइड करेंगे कि क्या करना टुमारो एट टू नाइन रेगुलर वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विथ योर एल एल पी चलो तब तक के लिए बाय बाय